अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सरवत फलीम। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, मगर उससे पहले एक ज़बरदस्त किस्म की बात होती है जो हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान के आगाज़ पर ही आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। और वो अच्छी बात आज की हमारी ये थी कि सोहबत। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद सोहबत ये होती है कि आप चंद लोगों में उठते बैठते हैं तो शायद वही आपकी सोहबत भी मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है, सोहबत आपकी वही होती है, मगर इसके साथ साथ आजकल चूँकि जदीद तकाजे अब सामने आ गए हैं और लोग कोशिश करते हैं, और वैसे भी जब से टेक्नोलॉजी आम हुई है तो लोगों की सोहबत, लोगों के दरमियान एक बैठक की सूरत में बैठने वाला सिस्टम तो अब ख़त्म हो गया है। तकरीबन लोग कोशिश करते हैं कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, कुछ ऐसी ऐप्स हैं सोशल मीडिया के जिनके ऊपर ग्रुपिंग हो जाती है, फिर उनसे आप चिट चैट कर रहे होते हैं। और जब आप सबसे अलग भी होते हैं, बिल्कुल अकेले भी होते हैं, उसके बावजूद आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। जब वो आपकी कनेक्टिंग होती है बहुत सारे लोगों से तो वो भी आपकी सोहबत कंसिडर होती है। अभी आपने हमारे पैकेज में, हमारी रिपोर्ट में भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी कनेक्ट होते हैं, वो उनकी सोहबत कहलाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोशिश होती है कि रोज़ाना सुबह सवेरे चाय की चुस्कियाँ भी लेते रहें, मगर इसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहें। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस पर आप अपने इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ख़वातीन को इंटरेस्ट ये होता है कि फ़ैशन के हवाले से क्या नया आया है, और ख़ास तौर पर मैगजीन्स के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। और जो दीगर अफराद होते हैं, इन्हें कोशिश होती है कि वो देखें तिजारत के हवाले से क्या अहम खबरें आई हैं, बिज़नेस के हवाले से क्या अहम खबरें आई हैं, या फिर मुल्क के हालात क्या हैं। ये भी सब आपकी सोहबत ही कहलाती है, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट कर लेते हैं वो आपकी सोहबत होती है। और अच्छी सोहबत होना बहुत बड़ी नेमत होती है, अच्छे दोस्त होना बहुत बड़ी नेमत होती है। और जब हम अच्छे लोगों का, अच्छी अच्छी चीज़ों का इंतखाब करते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो वही आपकी सोहबत होती है। और कहते हैं अगर किसी शख्स को जानना हो तो उसको उसकी सोहबत से पहचाना जाता है कि उसकी सोहबत क्या है, किस तरह के लोगों में उठता बैठता है। अगर वो अकेला है या टेक्नोलॉजी के साथ वो अपना दिमाग लगा कर रखता है, तो ये देखने की ज़रूरत होती है कि किन चीज़ों को वो सर्च करता है और किस किस्म के लोगों की ग्रुपिंग है जिनके अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व रखता है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी सोहबत हमेशा अच्छी रहे, क्योंकि आपकी सोहबत ही आपकी शख्सियत की आयनादार होती है। चलिए, इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेर पाकिस्तान का आगाज़ तो हम लोग कर चुके हैं, मगर इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि दिन भर की खबरों के साथ साथ दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये भी आपके साथ हम शेयर करते रहे। और ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, बड़ी तवक्कोआत थी कि बारिश होगी, लेकिन अब तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की रहमत है कि दिन में दो दो बार हमें बरसती हुई मिलती है, और कभी शाम में आपको बूंदाबांदी नज़र आती है, और रात गए तो ऐसा अक्सर होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो हर चीज़ आपको गीली नज़र आती है, मत्तर नज़र आती है। उसकी वजह ये होती है कि रात भर ज़बरदस्त किस्म की बारिश होती रहती है, और आज भी मौसम इसी तरह से चलता रहा है। ख़ास तौर पे कभी कभी हम अक्सर ऐसा मौसम में बताते हैं कि कुछ शहरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, कुछ जगहों पर हम देखते हैं टेम्परेचर अभी भी हाई होता है, मगर लकीली जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके आसपास जितने भी छोटे इलाके हैं, जितने भी टाउन्स हैं, जितने भी विलेज हैं, वहाँ पर मौसम उन्हीं के हिसाब से कनेक्ट होता है। तो इसी वजह से बड़े शहरों मौसम बताने का मकसद यही होता है कि मुल्क भर के मौसम का हवाला आपके साथ शेयर करें। ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है, और छुट्टियां गुजारने के लिए तो बेहतरीन मौका है। आप कहीं भी जाए वेकेशन लेके आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके साथ हम मौसम शेयर कर लेते हैं कि मुख्तलिफ बड़े शहरों के मौसम की क्या सूरत हाल। तो सबसे पहले हम लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, लाहौर में कम से कम रहेगा 23, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री हो सकता है। लाहौरियों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा खुश होते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ गर्मी है, मगर इस्लामाबाद में भी अभी मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ पर भी कम से कम डिग्री रहेगा 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जा सकता है। कराची बहुत दूर है, मगर डिग्रीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो करीब करीब है अच्छे मौसम की फहरिस्त में, क्योंकि कराची की अगर बात करें तो कम से कम मौसम रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 33 तक जा सकता है। कराची का मौसम अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, और होप फॉर द बेस्ट, और कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो कराची का मौसम कैसा रहेगा। अभी हम बढ़ते हैं पेशावर शहर की तरफ, तो वहाँ का मौसम जान लेते हैं, क्योंकि पेशावर में कम से कम डिग्री रहेगा 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक जाएगा। वन एंड ओनली कोयटा, उसका मौसम भी आपके साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि कोयटा में कम से कम अगर डिग्री की बात की जाए तो रहेगी 20, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जा सकता है।
अच्छा मौसम तो हमने आपके साथ शेयर कर लिया, मगर जिस तरह से हमारे शो की, हमारी पूरी टीम की एक एफर्ट होती है, कोशिश ये होती है कि अपने देखने वालों को कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो आजकल हमें दीगर चैनल्स पे या दीगर शोज़ में नज़र नहीं आती। कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, मगर कुछ ऐसे लेजेंड्स की भी खबरें हम आपके साथ, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपके साथ शेयर करते हैं। और कुछ बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जो बिल्कुल साइलेंट हीरोज़ जिनको कहा जा सकता है। तो कुछ हैं जो मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं, मगर कुछ हैं साइलेंट हीरोज़। और सुबह सवेरे पाकिस्तान ने, हमारी पूरी टीम ने, हम सब ने एक नई काविश, एक नया सेगमेंट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर उन हीरोज़ की बात करेंगे जो आपके सामने भी हैं और जो आपके पसे पर्दा भी हमें नज़र आते हैं, मगर वो बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया उनसे अवेयर नहीं होती। तो चूँकि एक नई काविश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके और उन हीरोज़ की बात की जा सके जो हमारी इस धरती के हीरोज़ थे, हम सब के हीरोज़ थे, अपनी अपनी ज़िंदगी में हम सब के लिए बहुत बड़ी मिसालें कायम करके गए हैं, उन हीरोज़ के लिए सुबह सवेरे पाकिस्तान ने एक नई काविश का आगाज़ किया, एक नया सेगमेंट अब हर रोज़ आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान की तरफ से पेश किया जाएगा, जो आप लोग देख सकेंगे, जिसका मकसद बड़ा अजीम है, जिसका मकसद बहुत ही स्पेशल है। इस सेगमेंट के अंदर हमारी कोशिश यही होगी कि सबके हवाले से आपको बता सकें, सबकी ज़िंदगियों से मुतालिक, इस धरती के लिए कुर्बानियों से मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो हीरो पाकिस्तान के काविश का आगाज़ इंशाल्लाह आज से हमने कर दिया है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर हीरो हमारे मुल्क का कौन है, हर एक स्पेशल हीरो की कहानी और उनकी ज़िंदगी से मुतालिक आपके साथ शेयर करेंगे। मगर ये कैसे मुमकिन है कि जब हम अपने हीरोज़ की बात करें, उन लेजेंड्स की बात करें और उन खास लोगों की बात करें जिन्होंने इस धरती के लिए अपनी जान दे दी, तो हम ये कैसे मुमकिन है कि इस धरती की बात ना करें, इस मुल्क की बात ना करें, इस सरजमीन की बात ना करें, अपने इस वतन पाकिस्तान की बात क्यों ना करें जहाँ पर इतनी जानों, हज़ारों लाखों जानें कुर्बान हो चुकी हैं। ये धरती इस हद तक खूबसूरत है कि शायद लोग इसे नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि जब उन्हें कभी मौका मिले तो वो मुल्क से बाहर जाएं और जाकर वहाँ पर इंजॉय कर सकें, मगर जब हम अपने वतन की बात करते हैं, अपने शहरों की, अपने गांव, अपने देहातों की बात करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं, हमारा मुल्क बेहद खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को चारों मौसम अता किए हैं, बेशबहा नेमतें, बेशबहा वसाइल अता किए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें अता की हैं कि शायद उनका तसव्वुर हम शायद यहाँ पर रहते हैं तो नहीं कर पाते। मगर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इस खूबसूरत मुल्क की, इस धरती की बात करते हैं, तो इसकी खूबसूरती के हवाले से आपके साथ हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट्स भी कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर कर सकें। एक ख़ास मकाम या एक ख़ास जगह का इंतखाब या फिर एक ख़ास शहर का इंतखाब किया जाएगा आप मेरे पाकिस्तान में, तो आज देखते हैं कि मेरे पाकिस्तान में आप सबके लिए सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम ने किस शहर का इंतखाब किया है। मुल्तान की तारीख जहाँ हजारों साल पुरानी है, वही इसकी फनो सकाफत, तहजीबो तमद्दुन, ज़रूफ साजी, नकाशी, खताती और बहुत से फनून मशहूर है। मुल्तान के तारीखी रास्तों, अमारतों और मज़ारात के बाइस मुल्क और दुनिया भर से आए लोग यहाँ सियाहत, मुल्तानी सकाफत और इसकी तामीराती हैसियत का जायजा लेते हैं। यहाँ महलों के नाम इन्हीं क्राफ्ट के नाम पे था, जैसे गली कमंगरान है, यहाँ नकाश और कमंगर होते थे जो तीर कमान के ऊपर नकाशी करते थे। महल्ला कुम्हारों वाला, महल्ला कालीन बाफी, महल्ला दरखानों वाला, महल्ला देगों वाला। ताजमहल जब तामीर हो रहा था तो उसके लिए जो नकाश गए थे वो गली कमंगरान से ही गए थे। मुल्तान के कला कोना कासिम बाग के दाखिली दरवाजे के साथ ऊंचाई पर दमदमा है, जो हजारों साल पहले सिर्फ इस मकसद के लिए तामीर किया गया था कि दूर से उड़ती धूल देखकर या घोड़ों की टापे सुनकर अंदाजा लगाया जा सके कि दुश्मन यलगार करने वाला है। ये 5000 साल पुराना शहर है, इसमें के जो मुसलसल आबाद है, तो पुराने ज़माने में जो शहर आबाद होते थे वो आम तौर पर दरियाओं के किनारे होते थे, और इस लिहाज से फिर दरियाओं के किनारे ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए किले तामीर कर दिए जाते थे। अब जहाँ निगार खाना है, ये बारूद खाना था। अंग्रेजों ने किले पर कब्जे के बाद इसे तबाह कर दिया और तकसीमे हिंद के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने यहाँ पर निगार खाना कायम कर दिया। अब इस निगार खाने में बारूद की बू नहीं बल्कि मुल्तान की सौंधी मिट्टी की खुशबू इसकी सकाफत और तारीखी अहमियत को उजागर करती है। निगार खाने में मुख्तलिफ किस्म का तारीखी साजो सामान, नायाब और कदीम बर्तन, ऊँट की खाल और हाथी के दांत से बनी अशिया और बर्तनों पर नक्काशी मौजूद है।
दमदमा के दाएं तरफ अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाहरुख ने आलम का मज़ार है। इस मज़ार के बिल्कुल सामने आपके दादा हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया सोहरावर्दी का मज़ार भी है। इन मज़ारात का तर्ज तामीर सयाहों और अकीदत मंदों के लिए कशिश का बायस बनता है। तातारी जो थे चंगेजी या अलाकू खान के जो लश्कर थे वो बरे सगीर पे पाक हिंद पे हमला के लिए होते, तो कई दफा ये मशहूर है कि हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने उन्हें दुआ से हत्ता के नजराना दे के भी टाला। दूसरी तरफ मुल्तान शहर के 6 दरवाजे भी इसकी पहचान है। मुल्तान का जो पुराना शहर है उसमें 6-7 दरवाजे मौजूद थे। दरमियान में ये कई बार बनाए गए, कई बार मरम्मत की गई, लेकिन कितने दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन कितने दरवाजे ऐसे हैं जो अब जिनका वजूद नहीं सिर्फ नाम है। अंदरून में तंग गलियां, मोहल्ले और बाजार पुराने मुल्तान के तसव्वुर में खोने पर मजबूर कर देते हैं। गर्द गदा गर्मा और गोरिस्तान की सरजमीन मुल्तान सख्त तरीन हालात और वाकयात से गुजरने के बावजूद आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ कायम है। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ दरमीना साहर, 92 न्यूज मुल्तान। अभी आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट देखी हमारे मेरे पाकिस्तान में, जब हमने मुल्तान शहर के हवाले से आपको सैर कराई इस एक मुख्तसर से रिपोर्ट में कि पाकिस्तान के अंदर कितनी खूबसूरती है। मगर जब हम बात कर रहे थे खूबसूरती के हवाले से या हम बात कर रहे थे दिलचस्पी के हवाले से, भी नज़र भी आ रहा था पैकेज के अंदर, मगर दिलचस्पी कल रात भी हमारी देखने लायक थी। कल रात चूंकि पाकिस्तानी टीम तो नहीं थी, हम जिस तरह से अगर वर्ल्ड कप की बात कर लें तो पाकिस्तानी टीम तो उसमें शामिल नहीं थी, मगर दिलचस्पी हर घर में मौजूद हर शख्स की थी कि आखिर ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा और ये कप कौन लेकर जाएगा। तो ये कप कौन लेकर जाएगा इससे मुतालिक याद होगा आपको कि सैटरडे को यानी कि परसों हमने सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको बता दिया था, प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि ये वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है। तो वो प्रेडिक्शन पहले आपको सुना देते हैं, वापस आके इस पर मज़ीद बात करते हैं। पर ही इंग्लैंड की टीम गिरफ्त में दिखाएगी। अच्छा। और इसके साथ इनके जो दो अहम प्लेयर हैं उसमें जो रूट और मॉर्गन, इन दोनों की तरफ से अहम परफॉर्मेंस आने के इम्कान हैं और जीत इंग्लैंड की ही नजर आती है। अच्छा, तब आप समझ रहे हैं कि मैच वर्ल्ड कप परफॉर्म करेंगे तो वो कप ले जाएंगे। हाँ जी, इंग्लैंड का मुझे नजर आ रहा। तो ये एक प्रेडिक्शन थी जो हमने आपके साथ शेयर कर ली थी परसों यानी कि सैटरडे को ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में। देखिए कि इस वक्त जो प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल एज इट इज़ वो दुरुस्त साबित हो गया, वाकई या इंग्लैंड जीत गया ये वर्ल्ड कप। मगर कल बड़ी दिलचस्पी थी इस पूरे मैच के अंदर, मुझे लग रहा था कि शायद संडे सब खवातीन का ख़राब हो जाएगा, मेरा भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि फैमिली आपकी सिर्फ देख रही होगी वर्ल्ड कप और मेरे जैसी और बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी शायद जिन्हें उतना इंटरेस्ट नहीं होता क्रिकेट में। मगर बिलीव मी, कल मेरा भी सारा टाइम जब तक ये मैच चलता रहा मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी रही इंजॉय करती। कल बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मैच था और फाइनल जिस तरह से खेला गया, जो उसमें दिलचस्पी थी और हर गेंद के ऊपर समझ नहीं आ रही थी अब क्या अचानक से शायद पांचसा पलट जाएगा, मगर जबरदस्त किस्म की सिचुएशन हुई और फाइनली जब मैच सुपर ओवर की तरफ चला गया तो उस वक्त भी प्रेडिक्शन आ रही थी और कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। जब आपको 15 रन का एक हदफ सुपर ओवर में मिल जाता है, अनबिलीवेबल होता है। उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आर्चर को शायद बॉलिंग नहीं करानी चाहिए थी इंग्लैंड के हवाले से, क्योंकि आर्चर के हवाले से यह चीज फेमस है कि वो अच्छे बॉलर बहुत, मगर जो उनका सबसे बड़ा टारगेट जो उन्होंने एक ओवर में दिया था वो 15 बॉल्स का ही था और अभी सुपर ओवर में भी जो 15 के ऊपर बात जा सकती थी। तो कल इतनी दिलचस्पी थी इस पूरे मैच में लेट नाइट तक कि क्या होगा, किस तरह से होगा, हर गेंद पर किस तरह से सांसें रुकी हुई थी। सबसे पहले पाकिस्तान में और भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि दिलचस्पी का हामिल है और आपके हम सब के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आज के सबसे पहले पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके लिए हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके एक्चुअल मसाइल किया है, उनसे मुतालिक भी बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे आपका मेरा हम सबका हफ्ता कैसा गुजरेगा। पूरे हफ्ते की बात करते हैं तो हफ्ते के सातों दिनों की बात करते हैं, हल्का फुल्का तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ इल्म हो जाता है, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम पूरे हफ्ते के बारे में जान लेते हैं तो काफ़ी हद तक वो तकरीबन कह सकते हैं कि बहुत हद तक
وہ بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے. اور میرا تو خیال ہے کہ جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں ہمارے کرکٹر ہوں یا کسی بھی ملک کے کرکٹر ہیں, انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی آسٹروپامین سے یا کسی ماہر فلکیات سے ایک رائے لے لیا کریں کہ ان کا یہ ہفتہ کس طرح سے گزرے گا یا ان کی پرفارمنس کیسی رہے گی. تو بہت ساری چیزوں کا اگر پہلے سے اندازہ ہو جائے تو کچھ نہ کچھ بیٹرمنٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہم لوگوں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میچ کے حوالے سے کون سی ٹیم جیتنے والی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا آغاز ہو چکا ہے ہفتے کا بھی, آج پیر کا دن ہے, تو پیر کے دن میں ہماری ہر پیر یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا سکے کہ ان کا ہفتہ کیسا رہے گا. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو صحیح ہونے کی راہ میں ہوتے ہیں مگر صحیح نہیں ہو پاتے, بہت ساری ایسی مشکلات ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں مگر وہ بھی کم نہیں ہو پاتی, اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کا آغاز ہم کرنے جاتے ہیں. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے جیسے کوئی کام شروع کرنا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھا چلو ویکینڈ ذرا گزار لیں, پھر منڈے سے آن ورڈ اپنی پوری انرجی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. تو بہت سارے ایسے میرے بہن بھائی, جاننے والے لوگ, دیکھنے والے جو کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی وجہ سے بھی وہ پریشان ہے, تو جلدی سے فون اٹھائیے, ہمیں کال ملائیے, کیونکہ ہمارے ساتھ زبردست قسم کے گیسٹ آج بھی موجود ہیں. ون اینڈ اونلی سید علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ آسٹروپامسٹ موجود ہے. تھینک یو سو مچ زیدی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ماہر فلکیات آغا بہشتے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آغا صاحب بے حد شکریہ آپ کا کہ آپ نے صبح سویرے پاکستان میں ہمیں جوائن کیا. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سے میں بہت سی باتیں عکس کر سکتی ہوں, میں وہ پوچھ لوں گی آپ سے, مگر اس سے پہلے چونکہ ہفتے والے دن کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ہمیں بات کرنی ہوگی. زیدی صاحب آپ نے جو پریڈکشن کی تھی ہفتے والے دن, ویسے آپ ابھی بریک پہ آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ میچ کے حوالے سے زیادہ پریڈکٹ نہیں کرتے, مگر جو اگر آپ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں آپ کے, کئی بھی بات سچ ثابت ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں دوبارہ بتایا کہ میں اپنے اس میچ کی پریڈکٹ کر چکا تھا جی فائنل کے حوالے, تو یہ اللہ نے کیا. تو اس میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں پچھلے بتا کر گیا تھا کہ ساتیں ہوتی ہیں, چھوٹی سات ہوتی ہے, بڑی سات ہوتی ہے, ہر ستارے کی ایک سات آتی ہے. بالکل. تو اس دوران میچ کا کبھی بھی پاسا پلٹ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو میں ذرا میچ کی جو پیش گوئی ہے وہ بہت کم کرتا ہوں, پھر لوگ یاد کرا دیتے ہیں آپ نے فلاں وقت یہ کیا تھا تو وہ تو نہیں ہوا. تو ابھی تو شکر ہے اللہ کا کہ اگر غلط ہوئی ہیں تو بہت ہی کم ہوئی ہیں, نہ کہ برابر ہیں. دیکھیں آخری علم تو اللہ کی ذات کے پاس, بالکل غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تو جو میچ کی پیش گوئی ہوتی ہے تو اس میں ہمارا خود اپنا دل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جیسے میچ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو لیکن یہ ایک علم ہے اس کو, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے فٹ بال وغیرہ کے بھی میچ دیکھے ہوں گے, تو ایک یورپ میں ایک ٹرینڈ سا نکل آیا کہ کوئی وہ کسی جانور کے ذریعے یہ پیش گوئی کرائی جاتی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس جانور کو کیا اتنا شعور ہے کہ وہ پیش گوئی کر سکتا ہے, کیا وہ اپنے بارے میں بھی کچھ پیش گوئی کر سکتا ہے. عجیب سی چیزوں کے ٹرینڈ نکل آئے ہیں. تو لیکن جو علم ہے وہ آخر بولتا ہی ہے, بالکل علم نے آخر بولنا ہی ہوتا ہے. اور بس یہی چیزیں عجیب ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جانور سے پیش گوئی, ایک ادھر ایسٹرولوجر بیٹھا ہے جس نے اتنی تعلیم سالوں سال لیکن کی ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے 21 سال اس علم کو سیکھا ہے. بالکل, اور آپ کا علم نظر بھی آیا ہفتے والے دن, جس طرح سے فائنل کے حوالے سے خاص طور پہ بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ فائنل میں کیا ہوگا, تو فائنل میں جو پریڈکشن کی تھی زیدی صاحب نے وہ بالکل ایز اٹ از سچ ثابت ہوئی, حالانکہ میچ بڑا زبردست قسم کا دیکھنے کو ملا. مگر اس کے ساتھ ساتھ کہ ہفتہ کیسا رہے گا, لوگوں کے دن کیسے گزریں گے, یہ ساتوں دن کس طرح سے جا سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی بات کرتے ہیں. تو آغا صاحب آپ کی طرف آؤں گی, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا انٹروڈکشن میں دے رہی تھی, آپ بڑا مسکرا رہے تھے, آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی, کیا آج کا دن آپ کا بھی بڑا زبردست قسم کا گزر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینًا حتی تسکنہ ارضک طواعًا وتمتعہ فیہا طویلًا برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ. اس لیے میں مسکرا رہا تھا, خوش ہو رہا تھا. ایک تو میں نہیں تھا, آپ اگر یہاں پاکستان گلگت بلتستان چلا گیا تھا اور گلگت بلتستان سے واپسی میری کل ہوئی, اور اسی وجہ سے میں اپنے پیش میں اور آغا بہشتی کے جو پیچ ہے اس میں پیشن گوئیاں مستقل کر رہا تھا. اور الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے، اور ظاہر بات علم غیب خدا جانتا ہے، اور ہم اپنی علم کے اندر رہتے ہوئے جو بھی پیشن گوئی کرتے ہوئے وہ سچ اور درست ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ چیمپئن بننے کی، انگلینڈ چیمپئن بننے کی، میچ شروع ہونے سے یعنی یہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے میں نے پیشن گوئی کی تھی اور آپ کے ہی چینل میں بھی کیا تھا ان میں سے کون جیتے گا، تو میں نے کہا تھا انڈیا یا اور انگلینڈ جیتے گا، کون بہتر ہے۔ آپ نے اگر صاحب گلگت جا کے بڑی آپ میں کیا کہوں، آپ نے گلگت جا کے بڑی غلطی کر لی نا، آپ کو سب سے پہلے پاکستان میں ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، آپ نہیں چلے گئے۔ وہ بالکل آپ بجا فرمانی، میری پیج بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، 2-2.5 لاکھ آگا بیشتی کے پیج کو فالوور ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر جو چینل ہے وہ ٹیلی فون میں لے رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ پیشن گوئی کی تھی اور سچ ثابت ہوئی۔ میں یہ ایک علم ہے اور اس علم کے دائرے میں رہتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں، اس سے گائیڈ لائن لینا چاہیے، جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہ بھی ایک علم ہے، اسی طرح سے یہ علم ہے، خصوصاً رشتوں کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے، اور بالخصوص جو ستارے ہوتے ہیں نا، جو میاں بیوی جب اپنے بچوں کی رشتے کرنے جا رہے ہو یا جا رہے ہو، تو اس دوران اپنے بچوں کے ستارے چیک کرنی چاہیے کہ کیا ستارے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ تو چلیے، ہمارے لیے آغا صاحب یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے سب سویرے پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آنے والے جو چہرے ہیں، آنے والی جو شخصیات ہیں، وہ جو بھی پریڈکشن کرتی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سچ ثابت ہوتی ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں سٹارز کے بھی حوالے سے۔ میں سٹارز کے حوالے سے بات کر لیتی ہوں، آپ سے شروع کروں گی، لیکن اس وقت میں سچ چونکہ کالر بھی ہیں، جب پتہ چلتا ہے آغا صاحب آئے ہوئے، زیدی صاحب آئے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی فون اٹھا کے کال ملاتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک کالر ہیں زاہد، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میرے بھائی، بات کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ محمد زاہد نواز میرا نام ہے، 14 مئی 1979 میری ڈیٹ آف برتھ ہے، جی لاہور جی، اور ٹائم ہے عصر کے قریب کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے کافی عرصے سے جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا، کاروباری سلسلے میں کافی پریشانی ہے، تو اب ہم اس کاروباری سلسلے کا آگے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا آگے کیا پریڈکشن کچھ کر سکتے ہیں کہ آگے کیا میرا فیوچر کس طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ پریشان نہ ہو، ابھی پوچھ لیتے ہیں آپ کے مسئلے کا حل بھی۔ اس وقت ناصر بھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ابو ظہبی سے آئی تھنک، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی میرے بھائی ناصر، بات کیجیے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو ان کے ماں باپ کے بھی نام لے لیجیے۔ بات کر رہا ہوں میں، ویسے تو پاکستان کا ہوں، تو باہر فورن کنٹری میں، بحرین میں۔ جی جی جی، بات کیجیے۔ 17 نومبر 1983 میں ڈیٹ آف برتھ تھا، تو میں یہ پوچھنے کا تھا کہ میرا آج کا دن یا یہ ویک کیسا رہے گا، یا کچھ اگر میں کوئی دوسری جاب اپلائی کروں تو اس میں کچھ میرے لیے بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اپنے والد اور والدہ دونوں کا نام بتا دیجیے مجھے۔ میرے والد صاحب کا نام ہے محمد امیر، ٹھیک ہے، اور والدہ کا نام ہے رسول بی بی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ابھی جان لیتے ہیں، ایک اور کالر ہمیرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی ہمیرا، بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 5/4/1983 دوبارہ بتائیے گا ہمیرا۔ 5/4/1983 جی جی، رات 8:15 بجے جی، تائیوان میں پیدا ہوئی، والدہ کا نام حمیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا علی زیدی صاحب سے میں معلوم کرنا چاہوں گی اپنی میرج کا اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں، ذرا ڈیٹیل سے بتا۔ ٹھیک ہے، اپنے والد کا نام بتا دیجیے ہمیرا۔ حسن صاحب، حسن صاحب ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمیرا، جان لیتے ہیں زید صاحب سے، ابھی اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ اچھا زید صاحب، چلے میں آپ سے ہی شروع کر لیتی ہوں۔ ابھی جس طرح سے میری ایک بہن نے کال کی ہے، وہ اپنی شادی سے متعلق جاننا چاہ رہی ہیں، والدہ کا نام حمیدہ ہے اور والد صاحب کا نام وہ حسن بتا رہی ہیں۔ تو ان کے جو شادی والے معاملات ہیں وہ نومبر میں شادی کی طرف معاملات چلے جائیں گے، اس سال نومبر میں۔ ہاں جی، اس سال نومبر میں، اور ان کا صدقہ بن رہا ہے سفید چیزوں کا، دہی کا صدقہ دے لیں، آٹے کا صدقہ دے لیں، اور یہ ایک عمل کر لیں چھوٹا سا، 11 مرتبہ نماز شریف والا، نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی، ہاں جی، اور اس کے درمیان 11 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے بعد نماز عشاء، ٹھیک ہے، یہ ہر روز کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ چند دنوں کے اندر ان کا معاملہ جو ہے شادی کی طرف چل پڑے گا۔ چلیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور میری بہن جو پریشان ہے اپنی شادی سے متعلق، بالکل یہ معاملات درست سمت کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک کالر تھے آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ناصر میرے بھائی، وہ بحرین سے تھے اور وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں کسی دوسری جگہ نوکری کے لیے
تو کیا وہ ان کے لیے ممکن ہو سکے گی؟ جی بالکل، ناصر کا جو کیونکہ اس نے ڈیٹیل دی اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا جی. ان کے ستارہ زوال سے نکل کر عروج کی طرف پرواز کر رہا ہے اور اس وقت 29 اگر میں داخل ہے، بلندی کامیابی خوشبختی کے ساتھ ساتھ راستے بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے صحیح. اللہ پاک اس کے اوپر بڑی کرم اور عزت کے ساتھ آگے بڑھانے والا ہے. البتہ کچھ دشواریاں قرض کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، گھریلو خصوصاً ازواجی زندگی کے حوالے سے کچھ مسائل کی اور پریشانیوں کی نشاندہی ہے. احتیاط کی ضرورت ہے، اگلے 6 تک محتاط ہو کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ خوشی کامیابی کے راستے کھل جائیں گے اور مشکلات اور بہتری سے نکلنے کے لیے ان کے لیے جو سورہ نکل رہا ہے اور اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کے ساتھ اگر پڑھے گا سورہ اثر اور سورہ نصر، یہ دونوں سورے اپنی زندگی میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت ہر پریشانی کو دور کرے گا، راستے کھول دے گا اور قسمت اور مقدر آپ کی کھلتی ہوئی اور رکاوٹوں سے نکل کر ایک اچھی زندگی میں یقینی طور پر آپ داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اچھا آغا صاحب، ایک اور میرے بھائی تھے، وہ والد اور والدہ کا نام تو نہیں بتا سکے، زاہد نواز کی کال تھی، تو وہ اپنے کاروبار کے لیے بڑے پریشان تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 14 مئی 1979 کی ہے، لاہور میں پیدا ہوئے اور شام یعنی کہ عصر کے قریب ان کی پیدائش ہوئی، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتا سکیں، وہ کاروبار کے لیے پریشان ہیں. کیونکہ میں عبرانی علوم سے کرتا ہوں، ماں باپ کے نام ضرورت ہو، جو مسئلہ بتایا اس حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کام کاروبار یا اپنے رزق کی برکت اور ترقی کے لیے کیا پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سوروں کی نشاندہی کی ہے اور ان سوروں میں سے ایک سورہ سوات ہے، ایک سورہ قلم ہے. سورہ سوات، سورہ قلم اور سورہ مدثر، یہ جرنل ہوگا اور جو بھی پڑھے ان کی زندگی کے جو کاروباری مسائل ہیں، مشکلات ہیں، نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ پڑھے اور گھر سے نکلے. اللہ تعالیٰ جو بھی اپنی کام کاروبار کے حوالے سے مشکلات میں ہیں، مسائل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، رکاوٹوں میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں یا گھر میں نااتفاقی ہے، تو ان کے لیے خوشحالی کے باعث بنے گی جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے لیے بھی بہتری ہوگی. ہمارے ساتھ اور بھی کالرز موجود ہیں، ان سے بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. خالدہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، پہلے ان کی طرف چلتے ہیں. جی میری بہن خالدہ، بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ ہے 17 جولائی، ٹھیک ہے، 17 جولائی 1983 جی. میرے امی کا نام نذیرہ بی بی، ٹھیک ہے. ابو کا منیر احمد. ابو کا دوبارہ سے بتائیے گا خالدہ. منیر احمد، ٹھیک ہے. میرا مسئلہ ہے میری شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بچے نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گیا. اچھا، اور اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ شادی کرنی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کی ڈیوورس، آپ کی طلاق ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 6 سال. 6 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے خالدہ، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے بہتری ہوگی. بات کرتے ہیں اس سے متعلق، میرے ساتھ ایک اور کالر صدیق موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی صدیق، بات کیجیے. صدیق جی، جی صدیق بات کیجیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. میرے بھائی اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ، آپ سب سے گزارش ہے جب بھی آپ کال ملائیں کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ آپ ٹیلی فون پہ بات کر سکیں، نہ کہ آپ پہلے ہماری ٹی وی پہ آواز سنیں اور اس کے بعد ہمیں جواب دیجیے. تو اس وقت چونکہ خالدہ نے جو ہم سے بات کی ہے، تو زیدی صاحب یہ خالدہ جو میری بہن پریشان ہے دوسری شادی کے حوالے سے، ایک پریشر ہے فیملی کی طرف سے کہ دوسری شادی کر لو، پہلے بھی شادی ہوئی اولاد نہ ہو سکی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ان کے معاملات جو ہیں، ممکن ہے کہ ان کی دوسری ہی شادی ہو جائے گی. اچھا، یہی نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ان کو تھوڑا سا نا ذائچہ بھی جو ہے وہ فی الحال تو زوال پذیر نظر آ رہا ہے. اچھا، تو اس میں ان کو بنتا ہے ان انڈے کا صدقہ اور سبز کپڑے کا صدقہ دیں. اچھا، تو اور یہ نماز مغرب کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ ربی و توب الیہ 11 بار اول آخر درود شریف، نماز درود ابراہیمی، یہ پڑھ کر یہ روز رات کو یہ پڑھیں،
تو انشاءاللہ ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور ان کے مجھے مالی مسائل بھی نظر آ رہے ہیں, مالی مسائل بھی اور دیگر مسائل بھی ہیں. لیکن آغا صاحب, تو میری بہن یہ جو پریشان ہے, کیا ہاں ہی نہ کریں, ہاں نہ کریں, خاموش رہیں, کیا کریں؟ وہ ابھی جیسا زید صاحب نے بتایا کہ زبان پھنسی ہے ابھی بھی. غیب کہلوں تو میرا رب جانتا ہے, البتہ ذائچے کے حساب سے اس کے تین بچے نظر آ رہے ہیں, دو بیٹے ایک بیٹی, جو علم فلکیات کے اس عدد 427 کا عدد بنتا ہے جی. اور اس حساب سے میں اتفاق کرتا ہوں ایک سے زیادہ نکاح کی نشاندہی ضرور ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کے اولاد بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوری مدد کرے گا اور دوسری شادی کرنی چاہیے. اور ایک عمل اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس لڑکی یا لڑکے کا رشتہ ہر حال میں ہو, جس دن چاہتے ہیں کہ اس دن جب لڑکے آ جائے دیکھنے کے لیے تو اس دن لڑکے کے لیے, لڑکی کے لیے ہاں ہو, تو ان کے لیے ایک عمل ہے, ازمودہ عمل ہے. میں نے کل ہی ایک خاتون تھی اسلام آباد میں, بہت پریشان تھی, ان کے لیے میں نے عمل دیا تھا الحمدللہ, اور کل اس کا رشتہ جو ہے وہ طے ہوا. اب تک وہ کہہ رہی تھی 40 کے قریب رشتے آ چکے تھے, آغا جی ہاں نہیں ہو رہی تھی. تو یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب کے ساتھ ساتھ اس میں ہر بیماری, ہر پریشانی, ہر مشکل کی اس کتاب الہی اللہ کی اس کتاب میں ہر علاج موجود ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ جس دن رشتہ آ جائے اور وہ ہاں کر کے چلے جائے, اس عمل کو کرے اور اس عمل کو پھیلائیں, آپ لوگ لوگوں کو بتائیں تاکہ ان لڑکیوں کے, ان ماں باپ کے گھروں میں سے رشتے ہو جائیں اور ان کی بیٹیاں اپنے شوہر کے گھر چلے جائیں. بالکل. آپ تو کریں, سورہ فرقان کی ایک آیت ہے 54, سورہ فرقان کی آیت ہے 54, جس کے بیٹے یا بیٹی کا عقد نہ ہوتا ہو وہ اس آیت کو 21 دن تک 313 مرتبہ پڑھے. اور اس کا ہو الذین خلق من الماء, یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے. دیکھو خود خدا اس آیت میں کتنا ریسرچ کرنے کے بعد لوگ تحقیق کر کے, اور جن کے رشتے نہیں ہوتے ان کے لیے حل نکالتے. خدا وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو خلق کیا ہے اور ان کو نسبت دی, دامادی کے رشتے میں پرور دیا, اور تمہارا پروردگار قدرت والا ہے. یعنی یہ داماد کے اوپر ہی ہے, رشتے کے لیے ہے. تو یہ عمل کرے جب وہ آئیں کسی میٹھے چیز میں یا پانی پہ, آپ لوگ یہ پڑھے دم کر کے, وہ جو آنے والے مہمان جو رشتے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے اور پلائیں. تو 92 کے مالکان کے لیے بھی دعائیں, اور دیکھنے والوں کے لیے ہمارے جو زیدی صاحب ہیں, سویرے پاکستان کے لیے بھی بڑی دعائیں, اور آغا بہشتی کو بھی دعائیں. آغا صاحب, آپ سب ناموں کے اندر سویرے پاکستان, آپ سب سویرے پاکستان بھول گئے, یقینی طور پہ سب سویرے پاکستان کے لیے بھی بڑی دعائیں ہوں گی. سب سب جو 92 کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے دعائیں دیں گے, پریشان ہیں اولاد کے لیے, اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا. ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, سمیہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی سمیہ بات کیجیے. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام, بات کیجیے. آغا صاحب سن رہے ہیں. جی آغا صاحب, مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں پتا کرنا تھا. میں باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتی ہوں, میں نے ویزا کے لیے بھی اپلائی کیا ہے, تو کیا میں میری سیٹلمنٹ باہر جا کے لیے اپلائی کیا, کیا میری وہاں سیٹل؟ اچھا سمیہ, پہلے تو آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں, اپنی والدہ اور والد کا نام بھی بتائیں. ڈیٹ آف برتھ ہے 15, میں سن نہیں پا رہی ٹھیک سے سمیہ, آپ دوبارہ بات کیجیے. 15 مارچ. جی جی 15 مارچ 1977. 1977. ٹھیک ہے. والدہ کا نام؟ جی سعیدہ جاسی. اچھا, اور والد کا؟ جی غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سمیہ بھی جان لیتے ہیں. مجھے اس کی والدہ کے نام سمجھ نہیں آئی مجھے. سعیدہ بی بی انہوں نے کہا آغا صاحب, سعیدہ بی بی. ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں. مسز نوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی مسز نوید بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. بیٹی کا نام ہے نور فاطمہ. ٹھیک ہے. میرا نام ہے رائنا. ٹھیک ہے. اور میرے ہسبینڈ کا نام ہے نذیر ستار. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 18 اپریل. جی 1996. ٹھیک ہے. رات 12:50 پہ فیصل آباد میں. ٹھیک ہے. میں نے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا آگے یہ فردر سی ایس ایس کر لے گی یا اس کے لیے مطلب کیا آگے بہتر رہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی پوچھ لیتے ہیں. مسز نوی تھینک یو سو مچ آپ نے کال کی. سب سے پہلے تو آغا صاحب ان کا بتا دیں جو میری بہن نے کال کی تھی, اور وہ جانا چاہ رہی ہیں باہر ہمیشہ کے لیے, سیٹل ہونا چاہ رہی ہیں, تو وہ کیا کر سکیں گے؟ ویزا اپلائی بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے انشاءاللہ دو سورے آپ پابندی کے ساتھ پڑھیے گا, خدا نے چاہا تو ضرور آپ کے کام ہوگا. اور سورہ حشر اور سورہ ملک, آپ سورہ حشر یا تو نماز فجر کے بعد پڑھیں, اور سورہ ملک جو ہے وہ نماز
اور ظہر اور عصر کے درمیان آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سفر ہے, حج عمرہ ہے, زیارات ہے, لمبی عمر ہے, خوشیاں, کامیابی, ترقی اور پیسہ دولت کے مقام کے ساتھ, اور ایک اچھی عزت دار زندگی کی نشاندہی ہو رہی ہے, اور اچھے وقت آپ کی زندگی میں آنے والا ہے. جی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا ضرور ایسا ہوگا. اچھا زیدی صاحب, ہمارے ساتھ مسز نوید ابھی موجود تھی, وہ اپنی بیٹی نور فاطمہ سے متعلق جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ سی ایس ایس کر لے گی, ان کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ وہ مزید جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا مزید ایجوکیشن حاصل کریں گی, اگر سی ایس ایس کرتی ہیں تو کتنی کامیاب رہیں گی. ان کی تعلیم میں کامیابی ہے, ٹھیک ہے, اور تعلیم کی کامیابی کے ساتھ ان کا سفر بھی نظر آ رہا ہے, لیکن جو اس کی بیٹی ہے اس کے زندگی میں حالات یکساں نہیں رہیں گے. اچھا, بڑھتے رہیں گے, کم ہوتے رہیں گے, چاند کے مشابہ ہے, تو چاند کی طرح ان کی حالات بڑھیں گے بھی, کم بھی, اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے. ان کی تعلیم اس سے آگے بھی مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا, اور ممکن ہے کہ شاید یہ کسی اپنی جائے پیدائش سے دور سیٹل ہو, اس کی یہ جو نور فاطمہ بیٹی ہے. اچھا, یعنی کامیاب رہیں گی, اگر کامیاب رہیں گی تو صدقہ وغیرہ نکالنا ہو تو ان کو گندم اور کالا گڑ, گندم, کالا گڑ اور دال مسور, ان تین چیزوں کا ایک 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 کلو کسی چیز کا صدقہ کر کے پرندوں کو ڈال دیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا. اچھا آغا صاحب, لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا, چونکہ ہفتے کا تو آغاز ہو چکا ہے, آج پیر کا دن ہے, تو یہ ہفتہ پورا جو ہے کن کن چیزوں سے احتیاط ہمیں کرنی ہوگی, یا وہ میرے بہن بھائی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں, یا جن کو اپنے رشتے کا انتظار ہے, شادی کرنا چاہتے ہیں, یا جن کی ناچاکیاں ہیں, کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جن سے بچنا ہوگا, کون سے ایسے سٹارز ہیں جن کو محتاط رہنا. میں جنرل چیزوں کے طرف بتانے سے پہلے ایک چیز, بڑا مسئلہ ہے ہر گھر کا, یہ تقریباً مسئلہ مشکل ہے, تو میں چاہتا ہوں میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے, تو یہ ریسرچ ہے. اور جنرل اگر میاں بیوی میں محبت ہو تو پھر تو اس کے مطلب یہ کہ گھر کے جھگڑے, لڑائی, مسائل, مشکلات خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے اور یہ باقاعدگی سے میں نے خود تجربہ کیا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے, جو میاں بیوی ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے تھے, کورٹ تک چلے گئے تھے, ہم نے کہا یار کسی طریقے سے ان دونوں کو اس عمل کو کرے تاکہ ان کے جو کورٹ یا طلاق یا لڑائی جھگڑا یا ایک دوسرے کے سے نفرت کرتے ہیں وہ محبت میں بدل جائے. تو آپ سب نوٹ کریے گا اور میں چاہتا ہوں یہ سب تک پہنچ جائے. میاں بیوی, سورہ روم کی آیت نمبر 21, سورہ روم کی آیت نمبر 21 میاں بیوی میں اختلافات کی صورت میں اس آیت کو 99 مرتبہ پڑھ کر تین دن کسی بھی میٹھے چیز پر دم کر کے میاں بیوی کو درمیان کھلایا جائے. بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے عمل کر سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے عمل کر سکتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے درمیان اتنی محبت ہو جائے گی کہ یوسف زلیخا کی مثال پیدا ہو جائے گی ان کے اندر انشاءاللہ تعالی. یہ قرآن سے محبتیں بھی ہیں, اس قرآن سے نفرتیں مٹانے کے لیے ہے. جی اچھا, وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, اب وقت میرے پاس آغا صاحب بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. لاسٹلی زیدی صاحب, آپ یہ بتا دیں جن فیملیز کے اندر ناچاکیاں ہیں یا جن کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کون کون سے ایسے برج ہیں جو خاص طور پہ احتیاط کریں اس پورے ہفتے میں. برج سور ہے, ان کے معاملات بنتے بگڑتے رہیں گے. جو برج حمل ہے ان کے کاروبار بہتر رہیں گے, انویسٹ کر سکتے ہیں. جوزہ کے محبت کے معاملات بہتر رہیں گے, گھر کی تبدیلی ممکن ہے. برج سرطان مضبوط پوزیشن میں ہے اور ان کی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا. اور برج اسد ہے, ان کے معاملات ابھی صبر آزما ہیں, ان کو احتیاط کی ضرورت ہے فی الحال یہ مشکل دور میں. انویسٹ ابھی ان کو نہیں کرنی چاہیے, تھوڑا سا ٹھہر کر چلیں اور سوچ کر فیصلہ کریں. چلیے, ابھی وقت بالکل ختم ہو چکا ہے زیدی صاحب, اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کا جاننا تھا مگر وقت کی کمی ہے. تو چلیے, بے حد شکریہ آپ کا سید علی زیدی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے صبح سویرے پاکستان کے لیے وقت نکالا. آغا بہشتی صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ بھی خاص طور پہ صبح سویرے پاکستان کے لیے وقت نکال کر تشریف لے کر آئے. ایک بریک کی طرف چلتے, بریک سے واپس آئیں گے تو وقت ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسمارٹنیس کی اینک اپنی آنکھوں پہ پہن کے رکھتے ہیں, تو وہ اینک اتارنے کا وقت ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ.
ابھی آپ نے بڑی زبردست قسم کی رپورٹ دیکھی, جیسا کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے ایک ٹیزر بھی دیا تھا کہ اب وہ جو لوگ اپنے آپ کو اسمارٹ محسوس کر رہے ہیں ان کی آنکھوں سے اسمارٹنیس کی عینک اتارنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور یہ ہم عینک کس طرح سے اتاریں گے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنے دماغ میں, ان کو تصور کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور بڑی زبردست قسم کی مثال بھی اس پیکج میں آپ کو دیکھے, جب ہم ڈرامے یا فلموں کے ہیرو ہیروئن کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑے ہی دبلے ہیں وہ, تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسی سائڈ پہ لے جائیں اور اسی طرح سے اسی سائز میں آنا چاہیے تاکہ کپڑے بھی ہمیں پہنے ہوئے ویسے ہی لگ رہے ہوں. لیکن ایکچولی بہت ساری چیزیں ہم اپنی ڈائٹ میں سے بھی مس کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ تمام افراد جو دبلے ہیں, نہایت دبلے ہیں, مگر وہ خود کو بہت ہی زیادہ اسمارٹ محسوس کرتے ہیں, تو ان کے لیے جاننے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے ون اینڈ اونلی رحمان عباس جم انسٹرکٹر موجود ہے. تھینک یو سو مچ رحمان, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو ڈائٹنگ کی انتہا کر دیتے ہیں, اپنی ڈائٹ میں سے ہر ضروری چیز نکال دیتے ہیں شاید اس لیے کہ وہ دبلے ہو سکے, تو ان کے لیے ہمارے ساتھ عائشہ ناصر موجود ہے, ماہر غذائیت ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ دبلا پن ہے کیا. دونوں سے سوال کر لیتی ہوں, یہ بڑا کامن ہے آپ کے لیے بھی, آپ کو بھی جم میں ایسے بڑے لوگ نظر آتے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی عائشہ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے. دبلا پن ایک اسمارٹنیس ہے یا پھر ایک بیماری ہے, یہ لوگ بتانا ضروری ہے. آج کل بیماری بنتا جا رہا ہے کیونکہ وہ زیرو فگر کا جو کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے اصل میں وہاں سے. پچھلے آئی گیس ایک سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوا ہے, لوگوں کو اب وہ بالکل زیرو سائز کا کریز نہیں رہا, مگر اب ایک سال کے اندر اندر وہ کچھ شاید اتنا فیشن بن نہیں سکا, اب پھر لوگ وہی زیرو سائز پہ اور اسی پہ آ گئے ہیں. یہ کریز بنتا جا رہا ہے بیسیکلی, لوگوں کو ہیلتھ کانشیس نہیں ہوتے. حالانکہ آپ اگر ویٹ ریڈیوس کر رہے ہو, یو شوڈ بی ہیلتھ کانشیس. آپ کو اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے, آپ کو اپنی صحت کے لیے وزن کم کرنا چاہیے, لیکن لوگ ماڈل بننے کے لیے زیادہ وزن کم کرتے ہیں. لیے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, شکل پوری کی پوری بگڑی ہوئی ہوتی ہے, پہنا ہوا سج نہیں رہا ہوتے ہو ان کے اوپر, لیکن پھر بھی ان کو دبلا ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے. آپ کے پاس تو بڑے ایسے لوگ آتے ہوں گے رحمان, جو شاید, اچھا اسمارٹنیس اور چیز ہے, فٹنس ہونا ایک اور الگ چیز ہے, لیکن لوگوں کو فٹنس اور اسمارٹنیس کے درمیان جو ایک باریک سی لائن ہوتی ہے نا, لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آتی. آپ کے پاس تو کئی ایسے لوگ آتے ہوں گے جو دبلا ہونے کے لیے آتے ہوں گے, اور کئی ایسے آتے ہوں گے جو پتلا ہونے کے لیے آتے ہوں گے. Exactly, ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ Well, different ہے, ایج کے حساب سے پہلے میں دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ پھر اس میں سب سے زیادہ جب آپ اسکنی پرسن ہے, لیننیس ہے, اس میں ڈائٹ سب سے جو ہے نا بہت ضروری ہے. آپ کی ڈائٹ کا اب اپ کیا جاتا ہے, اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایج کے حساب سے اس کا باڈی لیول ٹھیک ہے, بی ایم آئی ٹھیک ہے فرسٹ آف آل. سیکنڈلی یہ کہ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے, ڈفرینٹ ہے, یا ڈائٹ بیلنس نہیں ہے, ڈائٹ بیلنس پہلے کرو, یا کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے اسکنی پرسن ہو گیا ہے, یا جینیٹک کچھ ایسا ایشو ہے. وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ ہاں آپ تھوڑا مسل بلڈ اپ ہونا چاہیے اس کے باڈی اور ایج کے حساب سے, جتنا اس کا فریم ہے اس حساب سے بلڈ اپ کیا جائے. لیکن اگر آپ نے اس اسٹیج پہ ہو تو 70% جو ہے نا آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد 30% اور ٹریننگ ایسی کہ جو آپ کے مسل بلڈ اپ کرے. ٹھیک ہے. اچھا رحمان, میں آپ سے اپنی پرسنل لائف کا ایکسپیرینس شیئر کر لیتی ہوں. میرا بہت اچھا دوست ہے, میرا یونی فرینڈ ہے, لیکن وہ انتہائی دبلا تھا, وہ بہت دبلا تھا. اس کو ہم لوگوں نے بڑا پش کیا کہ جاؤ تم جم جاؤ اور کچھ بہتر کرو اپنے مسل کو, بالکل بچے سے لگتے ہو, یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہو. تو وہ جب جم میں گیا تو وہاں پر اس کو ایکسرسائزز بھی بتائیں, کچھ ڈائٹ بھی بتائی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسن بھی انہوں نے ریکمینڈ کی کہ آپ کو یہ میڈیسن بھی کھانی, جیسے کوئی شیک انہوں نے بتایا, اس کے بعد بتایا کہ جی یہ میڈیسن آپ نے شیک کے فوراً بعد کھانی ہے. تو وہ یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ میڈیسن ان کو ریکوائرڈ, مطلب کہہ دیتے ہو کہ آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہو کہ میڈیسن آپ نے کھانی ہے, مگر آپ ایکسرسائزز کی طرف نہیں لے کے جاتے یا اس کو ڈائٹ کانشیس نہیں کرتے. ویل, یہ چیزیں کافی جو ہے نا میں نے بھی دیکھی ہیں. پہلی بات تو اس طرف نہیں آنا چاہیے, بالکل نہیں آنا چاہیے. فرسٹ آپ یہ دیکھو کہ آپ کی ڈائٹ بیلنس پراپر ہونی چاہیے. اگر آپ نے ویٹ گین کرنا ہے, جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے, آپ اس میں پہلے پراپر ایک بیلنس کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ نے اپنی ہیڈ ایک جو ٹرینر ہے یا کوچ ہے, ہیڈ ایک ختم کرنے کے لیے کہ مجھے اتنا دھیان نہ دینا پڑے, آئی تھنک میری نظر میں یہ شارٹ کٹ ہے اور یہ پرماننٹ نہیں, اور یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے باڈی کے لیے. چلیے ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, ساتھ ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. سید ارسلان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی میرے بھائی, بات کیجیے. جی سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو ہے نا 85 کے لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے, 5.78 انچ قد ہے, اور اس کے حساب سے مجھے کون سی ڈائٹ اور ورزش جو ہے وہ کرنی چاہیے؟
ٹھیک ہے 85 آپ کا ویٹ ہے. ٹھیک ہے ارسلان, ہم جان لیتے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ رحمان بھی موجود ہیں, عائشہ بھی موجود ہیں, سکندر حیات ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی سکندر بات کیجیے. جی میں جرمن سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ, بات کیجیے. میری ایج ہے تقریباً 26. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنی مطلب صحت کے لحاظ سے پوچھنا تھا. میں مطلب کھاتا پیتا بھی ہوں الحمدللہ, لیکن جو صحت ہے نا وہ مطلب کہ نہیں بنتی صحیح, مطلب جیسے. اچھا خدا نہ خواستہ کوئی بیماری یا بیمار رہے ہوں, کوئی اس طرح کی میڈیسنز وغیرہ لے رہے ہوں؟ میڈیسن کھا رہا ہوں, وہ ساتھ میں تھوڑی سی مسئلہ ہے پائل کا. ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہوگی, ابھی بات کر لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں. ایک اور کالر ریاض بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی ریاض بات کیجیے. السلام علیکم, میں مائل کالونی کراچی سے بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر بچے جو ہے زیادہ تر میڈیکل کے لیے جو کسی نوکری کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہوتے تو ہائٹ ان کی تو پوری ہوتی ہے لیکن چیسٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے, تو چیسٹ کے لیے وہ جو ہے پھر اپنا جم کی طرف جاتے ہیں, کیپسول وغیرہ کھاتے ہیں جو مضر صحت بھی ہیں, کچھ جن کئی بےچارے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے زیادہ خوراک سے, جو ہم نے دیکھا ہے ایک آدھ میرے محلے میں بھی ایسے کیس ہوا ہے. تو یہ بتائے کہ چسٹ جو ہے وہ کیسے بڑھایا جائے, اکثر بچے جم کی طرف جاتے ہیں, کیا وہ صحیح ہے کہ وہاں پہ ویٹ اٹھانا اور وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل بھائی مجھے پتا چل گیا ہے آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, بہت شکریہ. ابھی ہم پوچھ لیتے ہیں, رحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے سعید ارسلان حیدر. عائشہ وہ ایک تو ویٹ ان کا کم کس طرح سے ہو وہ تو ہم جانیں گے رحمان سے, مگر وہ اپنے پوچھ رہے تھے کہ ان کی ڈائٹ کیسی ہو, جیسے ان کا 85 کے قریب ان کا ویٹ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ڈائٹ ان کی کیسی اچھی ہونی چاہیے کہ ویٹ بھی کم آئے اور ان باڈی کے اندر جو ہے وہ تمام ایلیمنٹس ان کے جاتے بھی رہیں. اچھا سب سے پہلے تو اگر تو کوئی انڈر لائن ایشو نہیں ہے تو انہیں چاہیے وہ اپنا کاربس کا انٹیک, کاربوہائیڈریٹ جو کہ روٹی چاول کے اندر ہوتے ہیں, فروٹ کے اندر بھی کچھ حد تک فروکٹوز کی فارم میں ہوتے ہیں, اس کا انٹیک تھوڑا سا کم کر دیں. جیسے ناشتہ ہے تو اس میں بران بریڈ کے 2 سے 3 سلائس ہو گئے, ساتھ سبزیاں ڈال کے ایک آملیٹ ہو گیا. آملیٹ کوشش کریں کسی ہیلدی فیٹ میں بنائیں, دیسی گھی میں مت بنائیں. اس کے بعد پھر دوپہر کے کھانے سے پہلے ایک فروٹ وہ لے سکتے ہیں, دوپہر کے کھانے میں ایک روٹی یا ایک چوتھائی پلیٹ چاول کے ساتھ زیادہ سارا سیلڈ اور دہی لے لیں, اور پھر شام کے ٹائم پہ فروٹ لے لیں, رات کے ٹائم پہ بالکل دوپہر کے کھانے کی طرح سلاد, ایک روٹی سالن یا ساتھ میں رائتا, اگر چاول ہیں تو ساتھ رائتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں مگر سیلڈ کا استعمال اپنے تینوں ٹائم کے اندر وہ رکھیں. اچھا رحمان وہ اپنا ویٹ کم کس طرح سے کرے, کوئی ایکسرسائز انہوں نے کہا کہ جس سے ان کا ویٹ کم ہو؟ ایکسرسائز میں فرسٹ وہ ایڈ کریں 15 منٹ واک اینڈ جاگ, وہ لازمی کرنی ہے, اور 15 سے ہار منہ کریں. ہاں ایمٹی اسٹامک, لیکن اگر وہ بزی اسکیڈول ہے تو آپ ایوننگ میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر بزی اسکیڈول ہے اس کے بعد 15 ٹو اس کو میکسیمم لے کے جائیں 30 منٹس تک واک اینڈ جاگ لازمی کرنی تاکہ کیلوریز برن ہو. پھر اس کے بعد اسپیڈ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے لیکن آفٹر 1 ویک تاکہ اسٹیمنا تھوڑا سا بن جائے. اچھا ساتھ آپ ادھر بھی آ جائیں, کچھ پریکٹیکل ہیں جو ہمارے کالرز پوچھنا چاہ رہے تھے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ سے جان لیں گے, کیونکہ سکندر حیات نے کال کی تھی جڑا والا سے, وہ بتا رہے تھے کہ ہی از 26 تو وہ کھاتے بہت ہیں مگر وہ نظر نہیں آتا, لگتا نہیں ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ذرا آپ بتائیں, کچھ ایکسرسائزز بھی کریں. اس کی وجہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ یا تو ان کی ڈائٹ میں کارب نہیں ہے. ٹھیک ہے, کارب اپ کرنا ہے, کیونکہ جب بھی آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے یا بلڈ اپ نہیں ہو رہا تو اس میں آپ نے چیزیں یہ دیکھنی ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں وہ کارب ہے. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ نے اسکنی پرسن ہے, ویٹ گین کرنا ہے, مسل بلڈ اپ کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ بیفور پری ورک آؤٹ آپ کا فوڈ کیا ہے. ٹھیک, آپ نے کارب لوڈ کرنا ہے جس میں آپ دلیا لے سکتے ہو, بنانا لے سکتے ہو, دین آفٹر 30 منٹ آپ نے ٹریننگ کرنی, لیکن بیسک ٹریننگ جو مسل بلڈ اپ کرے. اس میں فرسٹ ایکسرسائز تو آپ نے کافی زیادہ دیکھا ہوگا, پش اپس آپ نے لگانے ہیں, لیکن پش اپس آپ نے گرپ کے ساتھ لگانے ہیں تاکہ فرنٹ آپ کی چیسٹ مسل شولڈر بائسیپ جو ہے نا وائڈ شیپ میں آئے, اس کو آپ نے کرنا ہے. اور نارملی آپ نے دیکھا ہے اس کو 10-15 reps آپ نے کرنے. اچھا کہ جن سے سٹارٹ میں نہ ہو رہا ہے مان اتنا زیادہ, مطلب 10-15 نہ ہو سکے, ہاں 5-6 بھی چلے گا, 5-6 لیکن جو اسکنی پرسن ہے ان کے لیے ڈائٹ بہت ضروری ہے, پری ورک آؤٹ فوڈ لوڈ کر کے آپ نے ٹریننگ کرنی ہے اس سے پہلے نہیں. تو وہ چیسٹ جس طرح سے ہمارے کالر کہتے تھے کہ وہ چیسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, بچے جب جاتے ہیں کچھ اس طرح کے جیسے پولیس میں چلے گئے کہیں بھی, ہائٹ ماشاء اللہ اچھی ہوتی ہے, چیسٹ ان کی کم ہوتی ہے جس سے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اب چیسٹ کو بڑھانے کا کیا طریقہ؟ اس میں یہ ہے فرسٹ ایکسرسائز یہ, سیکنڈلی ہینگنگ ایکسرسائز آپ نے کرنی. اچھا کسی بھی راڈ کے ساتھ؟ وہ یہ آپ کی کمپلسری وارم اپ ایکسرسائز ہونی چاہیے,
ये वार्म अप एक्सरसाइज है, आपने 15 टू 20 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज ऐसे करें ताकि मसल आपके फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी हो जाए जिसमें इसको लैट पुल अप, नॉर्मली आपने नाम सुना होगा चिन अप कहते हैं, लैट पुल अप वो आपने करना है, उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करनी, ये आपका वार्म अप एक्सरसाइज है जिसको आपने करना है, फिर उसके बाद बाकी एक्सरसाइजेस आपने करनी, ठीक है। मतलब ये है अगर चेस्ट वो जिस तरह से परेशान थे कि चेस्ट के लिए, उसके लिए रॉड के साथ हैंगिंग एक्सरसाइज है, वो मतलब कितने उसके करने होंगे आपको सेट, आपको कितने कहते हैं ना कि कम से कम 3 सेट होने चाहिए उसके, वो डिफिकल्ट है, वो उसमें 4-5 स्टार्टिंग में लगता है क्योंकि आपने अपने शोल्डर और आर्म ग्रिप से अपना बॉडी वेट पुल अप करना है जी, और स्टार्टिंग में तो मोस्टली लोग घबराते हैं, अच्छा। लेकिन ये कि जितने भी लगे, 2 लगे 3 लगे, आज 2 लगे हैं, कल 3 लगेंगे, फिर 4 लगेंगे, अच्छा, जिसके पास जिम की सहूलत ना हो दरख्तों से लटक सकता है, नहीं कहीं भी बाहर कहीं भी होता ना गांव देहातों में लड़के होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर दरख्त ना मिले तो फिर तो पॉसिबल भी नहीं। अच्छा, जरा स्टैंडिंग पोजीशन में हमें थोड़ा करके दिखाएं ताकि एक अंदाजा हो जाए देखने वाले को। नॉर्मली कोई भी बार है आप कहीं भी लगा सकते हैं, घर में कहीं भी लग सकती है, लेकिन इतनी लगानी है कि जितना वो वजन उठा सके, देन आपने पुल अप करना है अपनी बॉडी को। यस, इसमें सबसे जो जरूरी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन में स्ट्रेंथ लेवल वो नहीं होता, आपने हाथ आपने वाइड नहीं करने, जितने आप वाइड करोगे उतना इंटेंस लेवल बढ़ता जाएगा, नॉर्मल जितना आपके शोल्डर विड्थ है उतना आपने ग्रिप करके देन पुल अप आपने करना है, इससे हाइट चेस्ट शोल्डर जो है ना प्रॉपर एक शेप अप होना शुरू हो जाता है, ये कंपलसरी आपकी वार्म अप एक्सरसाइज होनी चाहिए, मोस्टली लोग वार्म अप एक्सरसाइज। लेकिन मैं रहमान आपको बताऊं, मैं बचपन में मेरी हाइट मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत कम है, लेकिन मैं दरवाजों के साथ बड़ा लटकी हूँ, मेरी हाइट फिर भी नहीं बढ़ी बहुत लटकी हूँ दरवाजों के साथ। लेकिन उसमें ना फिर वही मैं बात करने की, डाइट में आपकी वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस हो, और जिन्होंने गेन करना है वो दलिया खाए, यहाँ ट्रेनिंग से पहले बनाना। अच्छा ठीक है, दुबलेपन की एक्सरसाइज तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन चूंकि आयशा आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, दुबलेपन के जो शिकार लोग हैं वो अपनी डाइट से किस तरह से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, एक होता है ना कि डाइट में आपके जैसे जिम में हम जाते हैं तो शेक्स वगैरह बड़े बताते हैं, बनाना शेक वगैरह बताते हैं कि वो आपको लेना चाहिए, वो आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा होता है, थोड़ा हेल्दी करता है, तो डाइट के जरिए दुबलापन कैसे खत्म किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो इस केस में हम थायराइड का टेस्ट कराएंगे, हो सकता है हाइपर थायराइडिज्म हो जिसकी वजह से वजन कम हो जाता है, क्योंकि आपको अंडरलाइंग इशू भी रूल आउट करना है, ये ना हो कोई अंडरलाइंग इशू हम डाइट देते जा रहे हैं तो वो सही नहीं होता, हाइपर थायराइडिज्म को रूल आउट करें, इसके अलावा डाइट को बैलेंस करें, अपनी बनाना शेक हो गया, डेट शेक हो गया, वो आप सुबह भी ले सकते हैं, रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, चीनी की जगह कोशिश करें हनी का इस्तेमाल करें, रोटी की जगह कोशिश करें चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और खाने के साथ चावलों से भी कहते हैं मतलब फूल सा जाता है, नहीं खाने चाहिए, आपको सिर्फ बॉयल्ड राइस लेने चाहिए अपने मील के अंदर, नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, बॉयल्ड राइस नहीं लेने चाहिए, दोनों फॉर्म्स में चावल को पुलाव की फॉर्म में भी ले सकते हैं, बिरयानी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, फूल ना कुछ हद तक वो ब्लॉटिंग कर देता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता चावल, इसलिए शायद ये एक मिसकॉन्सेप्ट सा आया है, मगर असल में ऐसा नहीं होता, वेट गेन करने में चावल बहुत हेल्पफुल होते हैं, वेट लॉस के पेशेंट्स को ये यूज़ नहीं करने चाहिए, इसके अलावा कोशिश करें हर खाने के साथ रायता, क्योंकि उसके अंदर भी हेल्दी कार्ब्स होते हैं, वैसे भी कहते हैं आपकी स्किन अच्छी करने के लिए रायता आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए आई वुड से कि विटामिन सी ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें लीमू वगैरह या सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, फ्रूट ज़्यादा बेहतर है रायता की नस्बत, मेरा ये ख्याल है। हाँ ठीक है, और इसके अलावा कोशिश करें हेल्दी स्नैक्स जैसे चना, घर की बनी हुई चना चाट हो गई, घर के बने हुए दही भल्ले, घर के बने हुए शेक, उनका इस्तेमाल करें, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। दुबलेपन की एक्सरसाइज भी आपसे पूछते हैं, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज़रा फोकस करें रहमान को, हम कॉलर से भी साथ साथ बात करते हैं, नाजिया हमारे साथ मौजूद है, जी नाजिया बात कीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है गाने के अलावा। थैंक यू मैडम। मैंने बात ये करनी थी कि एक तो मैं, मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है, ठीक है, और मैं टीचर हूँ और मेरे 58 तक वेट है, ठीक है, लेकिन जब भी मेरे पे मोटापा थोड़ा सा भी आता है ना तो वो शोल्डर पे और मेरी डबल चिन बन जाती है, चेहरे के इर्द गिर्द वो इंतहाई बुरी लुक आती है उससे, ठीक है, ठीक और दूसरी मेरी बेटी है 14 साल की, उसकी मेरी चूंकि हाइट खुद की 5 फुट है, तकरीबन 5 फीट के करीब है जी, तो उसकी भी कम है, इन दोनों के लिए मुझे कोई अच्छा अभी बता देते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया। अभी वाजिद भी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी वाजिद बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। तो मैडम मैंने जानना था कि मेरा वेट है 95 ना, तो मुझे किसी ने कहा था कि सुबह लीमू पानी खाली पेट पीना है,
अच्छा वो पी रहा हूँ मैं और साथ आधे घंटे की वॉक है, ठीक है, मगर वेट 3 माह में सिर्फ 1 kg कम हुआ है। ओके, और दूसरा ये पूछना है कि इन दिनों में जून जुलाई में एक्सरसाइज ठीक है करने की नहीं थे? ठीक है ठीक है वाजिद, अभी जान लेते हैं, अली नवाज भी हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अली बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी एज है तकरीबन 41 ईयर, ठीक है, और मेरा जो वेट है वो है तकरीबन 85 kg, ठीक है, और मेरी हाइट जो है वो है तकरीबन 5.8। ओके ओके, तो मैं पाँव पे बैठता हूँ तो मेरे पाँव में दर्द भी होता है, जलन भी होता है, नहीं नमाज में भी बैठ सकता हूँ, और मुझे इसमें कितना वजन होना चाहिए और क्या करना चाहिए इसके लिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू आपने कॉल की। अभी हम रहमान से जान लेते हैं। अच्छा रहमान, साथ साथ हमें जरा दुबलेपन की एक्सरसाइज भी बताएं, जो लोग दुबले हैं उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज है जो उन्हें रोजाना की फर्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज में बताया कि लैग पुलअप आपने लगाना है, उसके बाद आपने पुशअप्स लगाना है, कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज करनी है, कोई भी लेवल है आपने ये एक्सरसाइज करनी, ये कंपल्सरी और वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उसके बाद आपने जो चेस्ट या दुबलेपन को दूर करने के लिए मसल बिल्डअप के लिए एक्सरसाइज हमने जो करनी है वो विद डंबल्स, लेकिन स्टार्टिंग में जितना भी वेट हो जाए वो हमने करना है। कहीं भी आप बेंच पे भी कर सकते हैं, फ्लोर पे भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए नॉर्मली विद डंबल्स आपने वाइड पोजीशन में यू लाइक अ फ्लाई वाइड शेप में आपने लेके जाना है। आफ्टर दिस ये करने के बाद इसी को 90 डिग्री फ्लोर पे स्ट्रेट पोजिशन में प्रेस शेप में लगाना है। ये मसल बिल्डअप एक्सरसाइज है, कंपलसरी एक्सरसाइज है जिसको आपने करना है। 15 रैप्स होने चाहिए। ओके, ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जो दुबलेपन को दूर करती है। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा जिनकी डबल चिन है, जैसे खातून ने बात की डबल चिन है, उसको किस तरह से खत्म कर रहे हैं? वेल ये बहुत कॉमन इशू है, डबल चिन फैट है। वैसे ये दोनों का कॉमन इशू है, आप खवातीन की तरफ ज्यादा इशारे ना करें, मर्दों का भी ये इशू है। एक्सरसाइज को आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी, मोस्टली लोग सोचते हैं कि डबल चिन एक्सरसाइज या फेस फैट एक्सरसाइज नहीं होती, एक्सरसाइज है, उसको योगा में भी ले लेते हैं। नॉर्मली इसका जो है आप ये कॉलर बोन पे हाथ रख के मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपने नेक एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपकी डाइट में फैट नहीं होनी चाहिए, बैड फैट नहीं होनी चाहिए। उधर से आपने फैट भी खानी है, एक्सरसाइज भी करनी है, फिर आप कहेंगे कि पता नहीं एक्सरसाइज अच्छी थी, असर नहीं हुआ, वो तो ये कह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करनी है, कॉलर बोन पे हाथ रख के ब्रीथ इन होल्ड करना है, देन डाउन। इसी तरह राइट टू लेफ्ट आपने मूवमेंट करनी है। एक्सरसाइज से तो लग रहा है पता नहीं इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी डाइट में फैट नहीं, बैड फैट चाहिए, फिर ये इफेक्टिव है, ठीक है। अच्छा निहार मुंह नींबू पानी पीना चाहिए, जैसे कॉलर कह रहे थे मुझे किसी ने कहा वेट कम करना है तो निहार मुंह नींबू पानी भी पियो, कहते 3 महीने से पी रहा हूँ, 95 से सिर्फ 94 तक वेट गया है मेरा। नहीं ऐसा नहीं होता, न्यूट्रासूटिकल जिन्हें हम कहते हैं जो कि एम्प्टी स्टोमिक लिक्विड के फॉर्म में साथ कुछ लिया जाता है, लेकिन ये 15 दिन से ज़्यादा आप कभी भी नहीं ले सकते कोई न्यूट्रासूटिकल, उसके बाद बॉडी उसकी अगेंस्ट इम्यूनिटी डिवेलप कर लेती है। तो 15 दिन से ज़्यादा तो नींबू पानी का कोई फ़ायदा भी नहीं था, उन्हें अपना न्यूट्रासूटिकल चेंज करना चाहिए। बस ये ना कि देसी मशवरे जो लेते हैं आप लोग उस पर अमल ना करें। अच्छा अभी जो कॉलर हमारे साथ थी रहमान, वो कह रही थी कि उनकी तो जेनेटिकली हाइट बड़ी कम है, उनकी बेटी है 14 साल की, उसकी हाइट भी कम है, शायद 5'4" वो अपनी हाइट बता रही थी या 5'1" बता रही थी, तो बेटी की भी इतनी है। वो कह रही थी उसकी हाइट लंबी करने के लिए कोई तरीका बता दें, जैसे ये खवातीन भी कर सकती हैं जो आपने रॉड वाली एक्सरसाइज, हैंगिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, उसके बाद योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज वो आपने करनी है। उसके बाद नॉर्मली आपने मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करनी है, आपकी डाइट प्रॉपर बैलेंस में हो, उसमें कैल्शियम विटामिन्स या इन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसको बैलेंस आउट तो नहीं है। एक्सरसाइज उसके बाद आपने करनी है, जो लाजमी है आपने पाँव को टच करना है और होल्ड करना है। अगर ये लेवल आपका बन जाता है देन उसके बाद आपने काफ को पकड़ के देन डाउन और होल्डिंग पोजिशन में Okay. और इसको आपने डेली बेसिस पे करना है, तो आपके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बैक स्पाइनल एरिया बोन्स वगैरह सभी जो ना फ्लेक्सिबल हो, आपकी रूटीन इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। डाइट जो हाइट है वो बढ़ती है 22 मैक्सिमम, इस एज तक सही है। अच्छा जो कॉलर हमें कह रहे थे 41 साल उनकी उम्र है और 85 किलो उनका वेट है, इस उम्र में इतना वेट तो बहुत ज़्यादा, उस वेट को कम करने के लिए एक्सरसाइज तो रहमान से जानेंगे मगर डाइट के अंदर कौन सी चीज़ें वो निकाल दें?
रोटी चावल का इस्तेमाल ज़रा कम से कम करें, चावल हो सके तो मुकम्मल तौर पे निकाल दें, रोटी अगर लेनी है तो उसका साइज़ छोटा कर लें, जितना घर में नॉर्मली पेड़ा बन रहा है उसको आधा कर दें, लेकिन ताकि वो देखने में आपको लगे पूरी रोटी है मगर खा आप आधी रोटी रहे हो। इसके अलावा सैलड्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, सैलड्स का इस्तेमाल जितना हो सके उतना बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही है, सैलड्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, रोटी चावल को अपना कम करें और पानी का इस्तेमाल जो है। एक और चीज़ जो मैंने देखी है, पेशेंट आके कहते हैं कि हम पूरी डाइट कर रहे हैं मगर वज़न कम नहीं हो रहा, क्योंकि पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। वेट लॉस में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं उसके बाद दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो फिर पानी किसी फॉर्म दूसरी में लेते होंगे, जैसे खुद ही से बीच में लीमू डाल दिया, अब लीमू डाल दिया तो जाहिर है एसिडिटी तो हो सकती है उसके साथ, या पानी के अंदर कोई और चीज़ डाल के उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, खुद ही से डिटॉक्स वाटर एक नेट से देखा और वो सब बना लिया, सब ने बना लिया और वो सब शुरू हो गए पीना, वो शुरू होता तो फिर उससे हो जाता है, वरना पानी से। देखियो खवातीन जो काम करती है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स लेके आई हुई होती है, उसमें वो सारा कुछ डाला होता है बिना मशवरे के। अच्छा, मगर रहमान ये इस तरह से होता है जिसकी मैं बात करी थी अभी, जो हमारे कॉलर थे 41 साल उम्र है, 85 किलो वेट है, वो कहते हैं जब मैं उठता बैठता हूँ पाँव की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, पाँव नीचे से बहुत दर्द करते हैं, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज उन्हें बताएं जो वो कर सकें बैठे बैठे या कुछ। जी, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने पहले तो आपकी डाइट प्रॉपर बैलेंस में हो, उसके बाद आप योगा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के भी आप कर सकते हैं, मैट पर भी आप बैठ के कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग योगा एक्सरसाइज जिसकी आप मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। वैसे तो अभी मैं स्टैंडिंग पोजीशन में, आप सपोर्ट लेके भी कर सकती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपने करनी है, क्योंकि वेट नहीं आपने उठाना, वेट अगर आप उठाएंगे तो फिर आपको फील होगा कि हाँ पाँव पे प्रेशर आ रहा है। नॉर्मली ये मत सोचें कि पेन हो रही है, स्लोली स्लोली एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप जितना ये सोचते जाएंगे फिर आपको ज़्यादा फील होगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि कम होगी है बैठने की वजह से, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपने करनी है, होल्डिंग, घुटनों पर हाथ रख लें, आपके शूज़ प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ हों ताकि प्रेशर अगर आए तो आप प्रॉपर उस पर फील ना हो इतना ज़्यादा, देन आपने स्ट्रेट होल्डिंग पोजीशन आपने करनी है। इसको आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं अपर बॉडी से, और उसके बाद चेयर पे बैठ के लेग मूवमेंट आपने करनी है, उसकी मूवमेंट अगर चेयर की आप बना सकते हैं डिफरेंट, देन फ्रंट रेज आपने करना है, इसको आप 10 to 15 रैप्स जितना आप करते जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन डेली बेसिस पे ये होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच रहमान अब्बास, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बताई हैं, वो तमाम लोग जो कि स्मार्ट होना चाहते हैं, दुबलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं और फिट होना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच आयशा नासिर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने भी डाइट के हवाले से बड़ी कीमती मशवरे हमारे देखने वालों को दिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, सुबह सवेरे पाकिस्तान में जब जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उन स्मार्टफोन्स की जो हम सबसे महफूज करके रखते हैं, बड़े बड़े पासवर्ड्स लगा कर रखते हैं, मगर क्या हमारे स्मार्टफोन के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें महफूज होती हैं? स्मार्टफोन को यूज़ करते हम कौन कौन सी मेजर और बड़ी गलतियां करते हैं, इससे मुतालिक बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ। से रिलेटेड अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, बहुत सारे लोग जो कि स्मार्टफोन के नुकसानात से वाकिफ हो चुके हैं, उनका यही कह रहा है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्मार्टफोन में हम ऐड करते हैं, वो होती हैं कुछ एप्लीकेशंस जो बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि स्मार्टफोन का मज़ा कहते हैं तब तक आता ही नहीं है जब तक आप प्ले स्टोर पर जाकर कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकते, मगर वो एप्लीकेशंस जब हम डाउनलोड करते हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसमें हम अपनी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इवन कि अपनी डिवाइस के साथ जो उसकी रेंज है वो अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि उसकी एक्सेस आपके पूरे डाटा तक पहुँच जाती है, चाहे हम कोई भी एप्लीकेशन करते हैं। इसके अलावा मगर एप्लीकेशन के साथ साथ हम बहुत सारा मवाद अपलोड भी करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ ऐसी ऐप्स हैं जिन पर हम अपने पिक्चर्स को अपलोड करते हैं, बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम अपनी दे चुके होते हैं, मगर उसके बावजूद जो हमारी अक्सरियत, हर छोटा बच्चा भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा होता है, स्मार्टफोन के नुकसान क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे क्राइम है जो कि स्मार्टफोन के जरिए हो जाते हैं और किए जाते हैं, उन तमाम से मुतालिक अवेयरनेस के लिए आज के सेगमेंट में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, रिजवान अर्शद साहब
साहब मौजूद होंगे, थैंक यू रिजवान साहब। अगर रिजवान साहब की मैं बात करूं तो ये सीनियर इन्वेस्टिगेटर FIA साइबर क्राइम है, इनसे बहुत सारी अहम बातें करेंगे। मगर इसके साथ साथ चूंकि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया पर किस तरह से ये तमाम चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट असद बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, आपको भी हम वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच सुबह सवेरे पाकिस्तान में आने के लिए। सबसे पहले मुझे रिजवान साहब ये बताएं, चूँकि साइबर क्राइम के हवाले से आप एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर हैं, स्मार्टफोन की अगर बात करते हैं, स्मार्टफोन आप हम सब लोग यूज़ करते हैं, मगर इसके अंदर मौजूद हमारा डाटा कितना महफूज होता है या गैर महफूज होता है? मैडम, इसके अंदर डाटा, अगर हम ये कहें कि स्मार्टफोन के अंदर हमने कोई भी अपनी पर्सनल कोई भी पिक्स है, वीडियोज़ हैं, वो हमने सेव कर लिए, वो हमारा सेव है, कतन सेव नहीं है। अगर हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, रिकवरेबल है, बेतहाशा फ्रेंजिक टूल मार्केट में और हमारे पास अवेलेबल है, जिधर से हम डाटा रिकवर कर सकते हैं। हमारे पास बेतहाशा कंप्लेंट ऐसी आती हैं कि ये मेरे मोबाइल के अंदर मेरी पिक्स थी, वो अब लीक हो रही हैं, अब अपलोड हो रही हैं। जब इन्वेस्टिगेट किया जाए तो पता लगता है कि उन्होंने स्मार्टफोन अपना सेल कर दिया था। जब हम पूछते हैं सेल कर दिया, जी हाँ जी आपने वॉश किया, जी वॉश करके हमने बिल्कुल उसको फैक्ट्री रिसेट कर फिर हम सेल किया। लेकिन मैं अपने लोगों को ये बताता चलूँ कि वो सारा डाटा रिकवरेबल होता है, ठीक, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अब रिकवरेबल ना हो सके। हम जिस एरा में अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब इसमें हर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ना हो, इसलिए बी केयरफुल हैं। जो भी आप अपना डाटा सेव कर रहे हैं उसका बैकअप बनाएं, जो भी डाटा डिलीट करें, अपना स्मार्टफोन ख़राब होता कतन सेल ना करें, आप अपने पास रख लें, सेव करके रख लें अगर आप अपने डाटा को महफूज रखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी होता है रिजवान साहब, कहते हैं कि अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, जिसमें आपने बात किया, लोग सही करा के उसी दुकान पे जाके सेल कर देते हैं उसको। अच्छा, ये कैसे मुमकिन होता है कि जब हम अपना पूरा डाटा रेस कर चुके होते हैं तो उसके बावजूद आपका डाटा लीक किस तरह से हो जाता है फ़ोन बेचने के बाद? मैडम, उसके अंदर कैशे के अंदर आपकी सारी डाटा सेव होता है, एक मेमोरी के अंदर सेव होता है, एक कैशे के अंदर सेव होता है। जब हम डाटा डिलीट करते हैं तो वो एज इट इज़ उसके अंदर रिसेट कर रहा होता है। तो हम फ्रेंजिक टूल ऐसे अवेलेबल हैं, अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे तरक्की कर चुके हैं कि वो डाटा पूरा एज इट इज़ रिकवर हो जाता है, पूरा निकल जी पूरा डाटा एज इट इज़ रिकवर होता है। क्या उसकी वैल्यू साथ आ जाती है कि किस डेट को ये तस्वीर ली गई थी, किस डेट को ये अपडेट की गई है, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या डाटा है, यानी सारी प्राइवेसी आपकी लीक हो जाती है और ये बड़ा नुकसानदेह अमल होता है। अच्छा, असद साहब, ये भी होता है, हम जिस तरह से स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस तो हम डाउनलोड करते हैं, मगर आजकल आप देख रहे होंगे बैंकिंग सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं कि आप अपने स्मार्टफोन पे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ के लिए, आप अपने स्मार्टफोन पे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको पूरा हैंडल कर लेते हैं। लेकिन हैकर्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है अब, और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक फ़ोन जो हम अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से बचा के छुपा के पासवर्ड लगा के रखते हैं, तो हैकर्स वो आपका पूरा डाटा कैसे ले उड़ता है, ये लोगों को समझ नहीं आती। शायद मुझे भी कभी ये समझ नहीं आई कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपके फ़ोन के अंदर है, हैकर किस तरह से उसके ऊपर अटैक करता है और सारी इन्फॉर्मेशन ले जाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे एक मिनट दीजिएगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी रिजवान भी बात कर रहे थे और मैं आपकी रिपोर्ट में भी सुन रहा था कि जो मोबाइल फ़ोन के अंदर डेटा मौजूद होता है, स्मार्टफोन के अंदर डेटा मौजूद होता है, क्या आपको इस बात का यकीन है? आर यू एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि आपका सारा डेटा जो है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर ही मौजूद है, उसके बाहर नहीं है? क्या हम क्लाउड सर्विसेज यूज़ नहीं करते? क्या आप इस बात पे बहुत श्योर हैं कि जो आप एप्लीकेशन जिनको आपको परमिशन दी हुई आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कि वो आपकी गैलरी भी एक्सेस कर लें, आपकी स्क्रीन भी एक्सेस कर लें, आपका ऑडियो माइक्रोफोन वीडियो भी एक्सेस कर लें, तो क्या आप बहुत श्योर हैं इस बात पे कि वो आपका डेटा स्टील नहीं कर रही वो एप्लीकेशन? रिजवान साहब के पास मैं चला जाऊंगा अगर मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए, लेकिन कोई एप्लीकेशन जिसकी कंपनी अमेरिका में या कहीं और रजिस्टर्ड है, क्या रिजवान साहब की ज्यूरिस्डिक्शन होगी वहाँ पर? ये वो सारी चीज़ें आई थिंक जो कि हम जब स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो भूल जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे लोग इस पर बात करें, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये पिछले हफ्ते का वाकया है कि मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट से वाशिंगटन DC में उन्होंने कुछ एक जुर्म किया अपनी यूनिवर्सिटी में, और अगले दिन वो पकड़े गए, और वो इस तरह पकड़े गए कि रात में जब वो जुर्म कर रहे थे तो उनका मोबाइल फ़ोन उनकी जेब में था, और जब वो रात में यूनिवर्सिटी गए तो वो ऑटोमेटिकली उनकी वाईफाई से कनेक्ट हो गया, तो उन्होंने देख लिया कि वो कौन लोग आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन बहुत दफ़ा हमारे ऐसे काम कर रहा होता है जो कि हमें नहीं पता होता। पिछले हफ्ते ही की खबर है, गूगल जो कि सब इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे इस तरह अंधा इतमाद करते हैं हम कि शायद अपने पेरेंट्स पे भी नहीं करते होंगे, गूगल की ये खबर है
कि उनका उनके डिवाइसेज हैं गूगल होम के नाम से। अच्छा, ये वो डिवाइसेज हैं जो कि हम स्मार्टफोन के उसमें कैटेगरी में रखते नहीं, हालांकि ये हैं PS4 फॉर इंस्टेंस, ये सारा वही काम करते हैं। अगर आपके PS4 पे घर पे कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, तो ये सारा वही काम करेगा जो आपके आपका मोबाइल कर रहा होगा। तो उनका इसी तरह ये एक डिवाइस है जिसको गूगल होम कहते हैं। अब ये खबर लीक हुई कि वो ना सिर्फ ये कि गूगल वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है आपके घर में, बल्कि ये गूगल ने माना कि उनके 0.2% ऑफ द रिकॉर्डिंग्स उनके अपने एनालिस्ट सुनते हैं। यानी कि इमेजिन करें कि आपके घर की आवाज रिकॉर्ड हो रही है और वो बाहर से घर के कोई सुन रहा है, गूगल मान रहा है इस बात को। और फिर नेदरलैंड्स में एक और खबर थी कि वन ऑफ द गूगल एम्प्लॉयज ने वो जो आवाज थी, वो जो डेटा था कुछ लोगों का, वो लीक कर दिया। तो ये मैं आपको गूगल की बात कर रहा हूँ। अब आप इमेजिन करें कि जो शेडी एप्स, जो कि फ्री एप्स, वॉलपेपर एप्स और ये गेम्स वगैरह हम डाउनलोड करते हैं, जो कि हमसे पैसे नहीं ले रहे, हमसे उनका किसी किस्म का फायदा नहीं, तो कैन यू इमेजिन कि वो हमें प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं? वो इसी वजह से दे रहे हैं ताकि वो हमारे स्क्रीन की परमिशन ले सकें, हमारे फोन की परमिशन ले सकें और वो डेटा बेच सकें। हम लोगों को जब तक ये पता नहीं लगेगा, अनफॉर्चुनेटली हम बार बार इन्हीं स्कैम्स में फंसते रहेंगे। सही है, ये वो मेजर बातें हैं, मेजर इश्यूज़ हैं। शायद लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे होते और कोशिश कर रहे होते हैं कि चलें जी, ये भी फ्री में मिल रहा है, सबको जो फ्री में मिल रहा है हम फौरन उठा लेते हैं और अपने फ़ोन के अंदर डाल लेते हैं। लेकिन इस वजह से मुझे ये आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सारे कंट्रीज़ के हवाले से, ऐसा आपने भी बात की है, लेकिन अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो पाकिस्तान दीगर ममालिक की नस्बत ज़्यादा रिस्क पर हमें क्यों नज़र आता है? क्या पाकिस्तान के अंदर डेटा को महफूज रखने का या उसको एक ख़ास पॉइंट पर रखने का कोई निज़ाम हमारे पास नहीं मौजूद कि वो लीक होता चला जाएगा और पाकिस्तान के पास एक्सेस भी नहीं हो सकेगा उस चीज़? सबसे पहले इसके सिक्योरिटी के, कोई भी एंटीवायरस 100% आपको सिक्योरिटी नहीं देता। कोई भी एंटीवायरस आप इंस्टॉल करें, आप ये नहीं कह सकते मेरा डाटा महफूज है। अगर कोई एंटीवायरस आपको 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो आप खुद दें। आप अपने आप को देखना, आपने अपना डाटा कितना महफूज रखना है, कितना सब कुछ करना, कौन सी एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल करनी है। जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो सबसे पहले एक्सेस मांगती है आपकी फोटोज की, आपकी गैलरी की, आपके व्हाट्सएप की, आपके सारे इंटरनेट की, बिल्कुल आपका पूरी डिवाइस, पूरी डिवाइस की एक्सेस मांगती है। वो मल्टीपल ऑप्शन देती है, जिसे हम आम पढ़े लिख टर्म्स एंड कंडीशन को रीड किए बगैर हम उसे ओके 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 करते जाते हैं। 99% लोग यही होती है कि उन्होंने ओके कर बिना देखे वो ओके कर रहे होते हैं, बिना देखे वो ओके कर देते हैं, तो उधर से वो डाटा लीक होना शुरू हो जाते हैं। वो डार्क वेब पे बेतहाशा इस तरह की साइट्स अवेलेबल हैं कि जो ये डाटा अपलोड करती हैं, फिर वहाँ पे मिलियन ऑफ डॉलर्स उनकी इनकम करते हैं हमारे पास। इसलिए कोई भी अगर हम एंटीवायरस हम कोई इंस्टॉल कर, हम ये नहीं गारंटी दे दी 100%। आपने अपना खुद अपने आप को सेव करना, अपने अपने वो खुद मेंटेन करना, ये स्मार्टफोन के होते हुए खुद किस तरह अपने आप को महफूज किया जा सके, ये तो रिजवान साहब बहुत ही मुश्किल सा काम लगता है। आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, पहले उसकी रेटिंग देखनी है, उसकी रेटिंग क्या है। आप कोई अननोन एप्लीकेशन कतन इंस्टॉल ना कीजिएगा, कोई मिलीशियस कोड आपको किसी तरफ से आता है, आप वो कतन उसके ऊपर क्लिक ना कीजिएगा। खुद ही केयर करनी होगी। पाकिस्तान के अंदर डाटा प्रोटेक्शन का कोई निजाम नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन कहाँ पे, क्या अमेरिका में डाटा लीक नहीं होता, क्या के में नहीं होता, क्या कनाडा में नहीं होता? पाकिस्तान इन ममालिक के नस्बत ज्यादा रिस्क पे रहता है हमेशा। नहीं, वो तो हमारी फिर थोड़ा सा हमारा कल्चर एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है हम लोगों के अंदर, हमारा एजुकेशन रेटिंग इतना अच्छा नहीं है बाकी कंट्री की नस्बत। इसमें ऑल दो हर जगह पे ये क्राइम रेशियोज तो हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो फंडिंग हो रही है वो साइबर क्राइम के ऊपर हो रही है। उनको पता है आगे इमर्जिंग क्राइम साइबर क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी है, जो भी आगे फ्यूचर जो भी सब कुछ चल रहा है, अब साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सारी बात चली गई है। सही, ठीक है। इसलिए हमने खुद अपने आप को सेव करना है, अपने आप को खुद असर सब किस तरह से हमने सेव करना है, जब एक स्मार्टफोन है हमारी जरूरत बन चुका हुआ है और बहुत सारी ऐप जो एक्सेस मांग रही होती है आपके पूरी डिवाइस तक, वो भी हमारी जरूरत बन चुकी हुई है क्योंकि हमने लोगों के साथ कनेक्ट रहना होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के जो हम बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिनके ऊपर बिना देखे हम अपनी चीज़ें अपलोड कर देते हैं, अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके ऊपर शेयर कर चुके होते हैं, वो ओपन होती है, पब्लिक के लिए ओपन होती है, हम उसमें केयर नहीं करते हैं, तो फिर हमारा डाटा किस तरह से महफूज रहेगा? इतनी अवेयरनेस तो कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आती पाकिस्तान में। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अभी रेज़ की है, वो ये कि पाकिस्तान में डेटा प्राइवेसी ज़्यादा कंसर्न इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में फ़िलहाल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, पिछली गवर्नमेंट भी कर रही थी, ये गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है जो कि पाकिस्तान की कंपनीज़ को ये बाउंड करे कि वो एक सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी पे, जिस तरह GDPR है EU कंट्रीज़ में एंड बाकी मुल्कों में, यहाँ पे कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है लेकिन अभी तक उसको लाया नहीं गया। मैं थ्रू दिस प्रोग्राम मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि उस पर फौरी तौर पर काम करें, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, नंबर वन। नंबर टू, जो आप बात करी एप्लीकेशन की, आई थिंक ये वो क्रक्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन है जो कि
आपको आज के प्रोग्राम से मेरे ख्याल से लोगों को जाएगी। हम ये बात करते हैं कि हैकर्स ने हमारा फ़ोन हैक कर लिया या हैकर्स ने वेबसाइट हैक कर ली, वो एक्चुअली होता ये है कि जहाँ पे हम डेटा दे रहे होते हैं वो जगह हैक हो रही होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ अर्से पहले आपने ये बहुत एक हाइप सुनी होगी कि बैंक्स हैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, जी, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो लोगों के पैसे चले गए एंड सो ऑन। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक्स में यूजुअली मिलिट्री, जिसको हम टेक्निकल जबान में कहते हैं मिलिट्री ग्रेड फायरवॉल्स लगी होती हैं, यानी कि बैंक्स को हैक करना या बैंक्स की सिक्योरिटी को ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम होता है। आसान काम क्या है, लेट्स से कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए बुकिंग्स पे या अगोडा पे या कहीं और इंटरनेशनली होटल की बुकिंग कराई है, मेरे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उनके पास है, अगर उनका डेटाबेस हैक होता है तो वो मेरे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जाएगी जिसको आराम से कोई इस्तेमाल कर सकता है। नाउ ये इस बात को जहन में रखना कि आपने जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है वो 100% सेफ नहीं, ये दिस इज द क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आज जिस पे हम बात कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन पे, कभी भी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये सोचें कि जो आपको जो एप्लीकेशन आपको मुफ्त में सर्विस दे रही है उसकी कमोडिटी, उसकी प्रोडक्ट आप हैं, वो आपको इस्तेमाल करके आपको मुफ्त में सर्विस दे रही है, उनका कोई ना कोई बिजनेस मॉडल होगा जिससे वो पैसे कमा रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल ये है कि वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब तक ये बात हमें समझ नहीं है, अच्छा फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो प्राइवेसी से मुताल्लिक बहुत सारे लोग करते हैं, और मैंने बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों की बात करते हुए सुना कि यार हमारे पास क्या है, हमारा डेटा कौन सा इतना इंपॉर्टेंट है, किसी ने हैक करना है तो कर ले। अरे भाई, हाँ। वो आपका सिर्फ डेटा हैक करने की बात नहीं हो रही, वो मिलियंस ऑफ अदर्स की डेटा की हैक करने की बात हो रही है। आप इमेजिन करें कि अगर सिर्फ हम ये प्रोफाइल कर सकें कि लाहौर में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, क्या सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, किस इलाके में रहते हैं, तो क्या इस डेटा को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते? कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया था, इस तरह से डेटा एक्सप्लॉइट किया था, जो यूएस कलेक्शंस हुए थे आज तक उसकी इंक्वायरी हो रही है कि रशिया ने कैसे इन्फ्लुएंस किए थे जो यूएस कलेक्शंस थ्रू फेसबुक, आज तक उसकी इंक्वायरी हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि छोटी बात नहीं है कि आपका फोन हैक हो गया या आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। जब तक ये कल्चर नहीं आएगा, जैसे रिजवान कह रहे थे, कल्चर नहीं आएगा प्राइवेसी को समझने का, मेरा ख्याल से हमारा ये कंसर्न चलता रहेगा। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल तो शायद डेवलप होने में बहुत अरसा लग जाए। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, कुर्बान थरपारकर से इनसे बात करते हैं। जी कुर्बान, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आपका शुक्रिया कॉल उठाने का। जी बात कीजिए। मेरा सवाल था रिजवान भाई से और जो है वो आसिफ बेग भाई से। सवाल ये है कि जो हम कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर पे जाके, कोई भी एप्लीकेशन होती है हम इंस्टॉल कर लेते हैं, वो जो टर्म्स और कंडीशन जो मांगते हैं वो हम एक्सेप्ट कर देते हैं, फिर देखते नहीं कि वो जो है वो क्या मांग रहा है। वो सब ऐसे यहाँ पे बंदे होते हैं जो समझते नहीं है कि ये क्या मांग रहा है यहाँ पे, तो वो सारे एक्सेप्ट कर देते हैं, इसके भी नुकसान होते हैं या फिर जी मेरे भाई अभी इसी पे बात करें, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अभी इसी पे भी रिजवान साहब ने बात की थी कि कितना नुकसानदेह होता है जब हम बिना देखे हर चीज़ को एक्सेस दे देते हैं अपने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते वक्त, तो ये नुकसान भी होता है क्योंकि आपका पूरा डाटा उसमें महफूज होता है। लेकिन रिजवान साहब अभी इस तरह से हम जिस तरह से क्राइम की बात करते हैं, जैसे हम जिसे चाहते हैं अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, जिससे चाहते नहीं कर सकते, एक तो डाटा हमारा चोरी हो जाता है, मगर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पर शायद हम खुद जाते हैं अपना नंबर वहाँ पर हम छोड़ देते हैं कि चलिए आपकी कोई सेल लगेगी। खवातीन सबसे ज़्यादा ये काम करती हैं कि सेल लगेगी तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मगर ऐसी एडवर्टीजमेंट कंपनीज़ भी हैं जिनके पास बेशबहा नंबर्स होते हैं और वो उन नंबर्स पर मैसेज भी करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, क्या ये क्राइम की जद में नहीं आता? और उनके पास ये नंबर जाते कहाँ से हैं, किस तरह से जाते हैं, ये कौन नहीं देख, कोई भी नहीं देखता इस चीज़ को? नहीं, इसके ऊपर अभी तो अभी हमारा जो साइबर क्राइम लॉ अभी पीकर 2016 इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसके अंदर काफ़ी डिटेल के साथ सारे डिस्कस को इश्यूज़ को डिस्कस किया गया, लेकिन अभी इसके ऊपर मज़ीद काम होना अभी बाकी है। अभी इसके ऊपर हमारे लॉ डिपार्टमेंट अभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। और सेकंड बात यह है कि जो हमारे इस तरह बेताशा कंपनीज आती हैं जो ऐसे नंबर, अभी इनको पीटीआई इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, उन्होंने कॉल उनका होता है कि अब कोई आदमी कहता है कि मैं इस कॉल को रिसीव, इस मैसेज को रिसीव नहीं करना चाहता, उसे ब्लॉक लिस्ट में डाला जा सकता है। पीटी ने भी अभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम शुरू कर दिया, अभी हमारी उनके साथ सेटिंग हुई थी, उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम शुरू किया। इसका जो इस तरह एनोनिमस मैसेज जो मल्टीपल एक बहुत ज़्यादा रेट के साथ मैसेज किए जा रहे हैं लोगों को, उनको वो ब्लॉक कर रहे हैं अभी उसके ऊपर, है ना, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, यानी कि इसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा असद साहब, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, बल्कि मेरे से ताल्लुक़ नहीं रखता मगर मेरे करीबी जानने वाले हैं,
मतलब जैसे हम कहीं पे जाते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं हम, या किसी जगह काम कर रहे होते हैं, या किसी भी दूसरे शख्स का नेट पासवर्ड लेके हम अपने फ़ोन के साथ उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे जानने वाले थे जिनका एक सोशल मीडिया का अकाउंट इसी तरह से हैक हुआ। इसमें मुझे बताएं कि इसमें हैक का क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से होता है, जबकि फ़ोन आपके पास है, पूरी मालूमात आपके पास है, क्या किसी दूसरी जगह के नेट के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना ही आपके लिए ख़तरनाक हो जाता है, इसकी हैकिंग किस तरह से होती है? लेकिन दिस इज़ पॉसिबल, ये मुश्किल काम होता है थोड़ा सा, लेकिन ये हो सकता है। नेटवर्क स्पूफिंग इसको आम जबान में कहते हैं कि जो नेटवर्क स्निफ करते हैं उससे आप पैकेट स्निफिंग करके देख सकते हैं, सो ऑन। लेकिन वो ज़्यादातर कारामद उस वक्त होता है जब वेबसाइट्स आप जो एक्सेस कर रहे हैं वो इनक्रिप्टेड ना हो। फेसबुक या ट्विटर, ये तकरीबन सारी इनक्रिप्टेड होती हैं, तो शायद इस पर वो एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन की लॉगर्स बहुत आम हैं, और मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ वो क्या होते हैं। बहुत आम हैं और बहुत आसानी से मोबाइल फ़ोन पर भी और लैपटॉप पर कंप्यूटर पर भी इंस्टॉल हो सकते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी जितनी भी कीज आप प्रेस करते हैं उसको लॉग करता है, उसको की लॉगर कहते हैं आम जबान में। 90 मेरे अपने एक्सपीरियंस में तो 90% ऑफ टाइम्स के जिस भी पब्लिक कंप्यूटर पे आप एयरपोर्ट पे बाहर किसी के कंप्यूटर पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो की लॉगर मौजूद हो सकता है। उसका मतलब ये है कि आपने यूजर नेम डाला वो रिकॉर्ड हो गया, आपने पासवर्ड डाला वो रिकॉर्ड हो गया, और वो जो भी की लॉगर है उसके पास वो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो एक बहुत आसान सा इसका हल ये है कि आप पब्लिक में जाएं तो जिस तरह आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल करते हैं, आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जाते पब्लिक में जो कि आपको लगता है कि आपकी हेल्थ के लिए ख़राब होगी, बिल्कुल इसी तरह ही आपको प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया, नंबर एक। नंबर टू, मैं छोटी सी एक बात इस पर करूँगा जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली बच्चों के लिए जो कि ऑनलाइन जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। देखिए सर, हम मोबाइल फ़ोन की तो हम बात कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे मुँह के सामने रहती हैं चीज़ें। वो चीज़ें जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं और वो इक्वली डैमेजिंग है, PS4 फॉर इंस्टेंस, प्ले स्टेशन वगैरह या एक्सबॉक्स, आपको पता होगा कि उसमें कैमरा लगता है टीवी के साथ और उस कैमरे में माइक्रोफोन भी होता है, और उसमें जब आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो बच्चे या जिससे भी वो बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ वीडियो चैट कर सकते हैं बल्कि आपस में बात कर सकते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और उस नेटवर्क पर हर किस्म के लोग होते हैं, वो लोग भी होते हैं जो कि जिनको हम चाइल्ड प्रेडेटर्स कहते हैं। और हम आम जबान तौर पे सोचते हैं बच्चे गेम खेल रहे हैं या टीवी पे बैठे, लेकिन उसका डैमेज हमें नहीं समझ आ रहा होता कि वो जो टीवी जिसको हम कह रहे हैं वो एक्चुअली एक मोबाइल फोन से ज्यादा बड़ी डिवाइस है जिसपे कैमरा भी लगा हुआ है, जिसमें माइक भी है, और आपके बच्चे उससे एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्कुल, सेम गोज़ फॉर स्मार्ट टेलीविजन। अब स्मार्ट टेलीविजन हमारे जहन में नहीं आते कि उससे कोई डैमेज होगा, लेकिन उसमें वही एंड्रॉइड है जो कि आपके फोन में है, वही चीज़ बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो ज्यादा डैमेजिंग है। बिल्कुल, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है जिन पर तवज्जो हम नहीं देते, और हालांकि ये तवज्जो के काबिल होती है। अंबरीन फातिमा हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी अंबरीन, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पूछना आपसे ये था कि हम सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं बहन भाई ने मुल्क से बाहर उनसे बात करने के लिए, और बेटियां मेरी तो स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहती है, अगर इस तरह हम इस्तेमाल करें वो करें तो कहीं ये तो नहीं लीक हो जाता? ठीक है, थैंक यू सो मच अमरीन, इस पे भी बात कर लेते हैं। वाजिद भी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई वाजिद, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाजिद, अपने टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज बंद कर दीजिए और हमसे बात कीजिए। जी मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पूछना था, अभी रिजवान साहब कह रहे थे कि रिजवान साहब कई आंसर, मतलब उन्होंने मुझे बताया अभी हम सुन रहे थे टीवी, तो उन्होंने कहा कि आप जब अपना डाटा डिलीट कर देते हैं तो बेसिकली वो किसी भी शॉप से जाके रिकवर हो सकता है। तो मुझे ये पूछना था, जब हमारे मोबाइल खराब हो जाते हैं तो हमें पे हमने डेफिनेटली उसको सेल करना होता है डाटा डिलीट करके, तो कोई ऐसा पैटर्न या कोई ऐसा तरीका कर जिससे वो बिल्कुल भी रिकवरेबल ना हो सके, एक ही चीज बताते हैं। सेकेंडली मैंने ये पूछा। ठीक है, थैंक यू सो मच वाजिद, जिस पे भी हम बात कर लेते हैं। मगर सबसे पहले जिस तरह से अभी चले वाजिद से ही शुरू कर लेते हैं, रिजवान साहब वो ये जानना चाह रहे थे जिस तरह से आपने पहले ही इस चीज़ को क्लियर किया है कि जब हम अपना फ़ोन सेल कर देते हैं तो उसके बावजूद डाटा रिकवर हो जाता है, वो कहते हैं कोई ऐसी खास चीज़ हमें अपने फ़ोन के अंदर ही कर देनी चाहिए ताकि उसके बाद डाटा कभी भी वो रिकवर ना हो सके जब हम सेल करने जाते हैं। उसके लिए ये कि उसकी मेमोरी को आप फुल करें,
उसको फिर डिलीट करें, फिर मेमोरी फुल करें, फिर डिलीट करें, ताकि उसके हैशेस के अंदर जो वैल्यूज़ है ना, जो प्रीवियस वैल्यू वो सारी डिलीट हो जाएंगी, जो न्यू वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी, और आपका जो प्रीवियस सारा डाटा वो सारा इरेज हो, वो ओवरराइट हो जाएगा आपकी न्यू वैल्यूज के ऊपर। इसमें ये भी शायद कहते हैं रिजवान साहब को फोन के अंदर आपके शायद ऑप्शन होती है फैक्ट्री रीसेट के भी, फैक्ट्री वो फिर भी रिकवरेबल हो जाते हैं जी, फैक्ट्री रीसेट आप 99% लोग फैक्ट्री रीसेट करके बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कि मैंने अपना डाटा सारा रीरेज कर दिया, अब इसके अंदर कोई भी चीज़ रिकवरेबल नहीं है, लेकिन बड़ा इजीली रिकवरेबल हो जाता है कि हमारे पास जितने भी हम जो भी हम कल्प्रिट्स होते हैं हम उनसे मोबाइल लेते हैं, सबसे पहले अपन वो मोबाइल फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये अब तो हमारा डाटा डिलीट हो गया, अब तो ये रिकवर, जैसे हम अपनी फ्रेंजिंग मशीन के साथ लगाते हैं वो हमारे पास सारे वैल्यूज आ जाते हैं, सारी चीजें रेज करें, फिर उसको करें, उसके बाद फिर रेज करें ताकि वो परमानेंटली रेज हो जाए। अच्छा ठीक है, जिस तरह से हम व्हाट्सएप पे खातून बात कर रही थी, व्हाट्सएप वगैरह पे बात करते हैं, वीडियो पे बात कर रहे होते हैं, या इमो कहीं पे भी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करके वीडियो पे बात करते हैं, तो वो कितनी खतरनाक होती है, क्या उससे भी वो डाटा चोरी होता है जो हम वीडियो लिंक के जरिए अगर आप वो वन टू वन चैट करें फिर इट्स ओके, लेकिन आप सबसे पहले ये होता है कि आप इंटरनेट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंकिंग सर्कल देने वो सबसे पहले अपने जो मेन कंसर्न होता है वो इंटरनेट का लेते हैं कि हमें एक कंसर्न एक अथेंटिक कंपनी से उन्होंने इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, अगर आप लोग जैसे इंटरनेट केबल्स अब लोगों ने इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं वो सारी आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रही होती है, वो सारे आपको वॉच लिस्ट कर रहे होते हैं आपके कौन कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कौन कौन सी साइट विजिट कर रहे हैं, इस तरह से आपका डाटा भी सारा वो हैक कि आप ये बात करें सब, लेकिन सब चीज इस्तेमाल करें मगर मोहतात तरीके से। असद साहब मेरे पास लास्ट 20 सेकंड्स हैं, इन्हें में से जो लोग सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के जरिए आगे तक फैला देते हैं, उनके लिए लास्ट कोई एनी मैसेज? देखिए मेरा ख्याल से ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन की है, एक इस्तला इस्तेमाल करते हैं हम, उसको डीमेल कहते हैं, उसका मतलब है डिजिटल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी कि आपको ये पता हो, आप इतने लिटरेट हो कि जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, जब तक कि हमें नहीं पता होगा हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है बेहद शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच असद बेग साहब, आप हो रहे थे, रिजवान अर्शद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान भी अपने अख्ताम की जानब बढ़ रहा है, इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, मगर आज के इस एपिसोड से मुतालिक अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।